हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज का हमारा जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन, तो इसको हम शुरू करें। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करेंगे। उसके लिए मैं अंजना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मंगलम का शुभारंभ करें। अंजना माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्र श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथ विषम तम संजीवम सद्वैतम सावधूतम परिजन हितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वैष्णवांश्र। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकर्तृभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को फिर से एक बार कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी, जैसा कि हम आज देख रहे हैं कि हम 18वें अध्याय का यहाँ पे अध्ययन करने वाले। 18वां अध्याय जो है वो पूर्णतः सन्यास की सिद्धि को समझाता है। 18वें अध्याय के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कृष्ण के वैराग्य का अर्थ समझ सकता है। यदि कोई 18वें अध्याय को पढ़ता है तो मानवीय चेतना और साथ ही साथ कर्म पर प्रकृति किस तरह से प्रभाव करते हैं, इसको इससे भी समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये भगवद गीता के 18वें अध्याय को यदि हम समझें, अनुभूति भगवद गीता की महिमा और भगवद गीता के चरम निष्कर्ष समझ सकते हैं। और चरम केवल और केवल यही है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान श्री कृष्ण की शरणागति है। यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति है, भगवान उसको प्रकाश प्रदान करते हैं। इस पूर्ण प्रकाश के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। किंतु हम सभी दासों के दास हैं, हम सभी भक्त हैं। अभी हमने शुरुआत किया है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में इस भगवत गीता से रिलेटेड या भगवत गीता के बारे में हमारे मन में हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों यदि हम इन सभी प्रश्नों को श्रृंखला में रखें तो एक-एक करके न जाने कितने प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। तो आज प्रस्तुति में हम उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर रखने वाले हैं जो प्रश्न हमारे में उठे हैं। तो आज की इस प्रस्तुति को आने के लिए और इस श्रृंखला को शुरू करने के लिए मैं सुमन फुल्लर जी से अनुरोध करता हूँ कि वो प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्ण संजय सेन प्रभु जी, थोड़ा माइक आगे रखें। माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। मेरा सबसे पहले सुमन त्यागी जी माता जी से प्रश्न है। माता जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि भगवद गीता अध्याय 18 का सारांश प्रस्तुत है करके उसमें बताया कि मुख्य दार्शनिक अवरण और छंदों का वर्ण की पहचान कैसे है, तो इसके बारे में माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम।
शील प्रभुपाद जी की जय। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि सुधाकर प्रभु जी के साथ हमने पहले अध्याय से गीता की यात्रा शुरू करी और आज हम 18वें अध्याय पर पहुंचे हैं और कितना ज्ञान हमने अर्जित किया, इसके लिए मैं सुधाकर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। 18वां अध्याय भगवत गीता के सारे उपदेश का सारांश है। इसमें भगवान अर्जुन ने भगवान से त्याग और संन्यास को जानने की जिज्ञासा प्रस्तुत की। भगवान बताते हैं कि कर्म का त्याग, भगवत गीता के 18.2 में भी भगवान बता रहे हैं कि कर्म का त्याग ना करें बल्कि कर्म फलों का त्याग करें। आध्यात्मिक ज्ञान वाले जो कर्म है वो सतोगुणी कर्म का त्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कर्मों से हमारे हृदय की शुद्धि होती है। भगवान ने 18.4 से 18.12 तक यज्ञ, दान, तपस्या, त्याग के विभिन्न प्रकार बताए हैं, जो कि भौतिक प्रकृति के स्वभाव के कारण ही सतो, रजो और तमोगुण में बटे हुए हैं। मोहवश नित्य कर्म का त्याग जो है वो तामसिक त्याग है। कष्ट प्रद सारे कष्ट के लिए अगर हम कोई त्याग करते हैं तो वो रजोगुणी है। यदि कर्तव्य समझकर हम कर्म करते हैं और फल की आसक्ति को त्याग देते हैं तो वो भगवान ने सात्विक त्याग बताया है। और कहा है कि अगर कोई जीव कृष्ण भावना अमृत में मुक्त जीव बन गया है और वो सुख दुख के फलों को उसको मृत्यु के पश्चात किसी भी सुख दुख के जो फल है या कर्म फल है उसको भोगना नहीं पड़ता। इसमें बताया गया है 18.13 में भगवान ने बताया कि कोई भी काम उचित या अनुचित करने के 5 कारण हैं: कर्ता, कर्म स्थान, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं, परमात्मा। 5वां कारण जो परमात्मा है वो प्रमुख है, जो इसको मानता है वह बुद्धिमान है। 18.18 में भगवान ने कर्म को प्रेरणा देने के कारण बताए हैं: ज्ञान, यज्ञ और ज्ञाता और इंद्रियां। इंद्रियां कर्म करता, ये 3 कर्म के संगठन है जिनको कर्म संग्रह भी भगवान ने बताया है। यानी पहले जीव काम करने की सोचता है या प्रेरणा लेता है, फिर इंद्रियों की सहायता से करता है जिससे मन भी जिसमें मन भी है, जो इंद्रियों का प्रमुख केंद्र है। 18.19 में भगवान ने इन ज्ञान कर्म कर्ता के 3 भेद, रजो, सतो, तमो गुणों से जो प्रभावित होते हैं उसके बारे में बताया है। भगवान ने कहा है कि जहां भी आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है वह सात्विक है, और जिस ज्ञान से हमको इसमें भगवान ने कर्म कर्ता और ज्ञान के जो 3 भेद हैं उनका वर्णन किया है 18.22 से 28 तक। जैसे कि कर्म है, अगर हम मोह और शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं तो वो तामसिक कर्म होगा। अहंकार के बिना, आसक्ति के बिना कर्म करेंगे तो वो सात्विक होगा। लोभी, ईर्ष्यालु, आसक्ति वाले कर्म करेंगे, राजसी होगा। इसी तरह से कर्ता और ज्ञान के भी सतो, रजो गुण और तमो गुण में विभाजन को भगवान ने अच्छे से स्पष्ट किया है। 18.29 में भगवान ने बुद्धि और धृति को भी 3 गुणों में विभाजित किया है। हाँ, जैसे कि बुद्धि है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बंधन मुक्ति किस तरह से है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सतोगुण बुद्धि है। और जो भेद ही ना कर पाए वो राजसी बुद्धि है, और जो मोह अंधकार अधर्म को ही धर्म समझे वो तामसी बुद्धि भगवान ने बताई है। योगा अभ्यास में मन, प्राण, इंद्रियों को वश में रखना, इसमें शुरू में तो वो विष लगता है लेकिन अंत में अमृत समान महसूस होता है, इसको भगवान ने धृति बताया है, सतो सतोगुण के अधर। उसके बाद इंद्रिय सुख में अगर हम रहते हैं, शुरू में अमृत लगता है लेकिन बाद में विष है, इसको भगवान ने रजोधृति के रूप में बताया है। और सुख के प्रति अगर कोई अंधा हो जाता है, निद्रा, आलस, मोह में डूबा रहता है, जो कि शुरू और अंत दोनों में ही दुख है, इसी को धृति तमोधृति बताया है। 18.41 से 44 तक भगवान ने बताया कि स्वर्ग लोक, देवलोक में कोई भी लोक में 3 गुणों से कोई भी मुक्त नहीं है, और वर्णाश्रम को भी भगवान ने इन्हीं 3 गुणों से प्रभावित बताया। जैसे कि ब्राह्मण है वो सतोगुण में है, क्षत्रिय है जो वैश्य है वो रजोगुण में है, शूद्र तमोगुण में है। तो उनकी विशेषता भी भगवान ने बताई है कि ब्राह्मण शांति, प्रियता, आत्मसंयम है, पवित्रता आदि गुण है। क्षत्रिय में वीरता, शक्ति, संकल्प, युद्ध में धैर्य आदि के गुण है।
वैश्य जो है वो गोरक्षा, व्यापार, कृषि करता है, और शूद्र श्रम और सेवा आदि के कार्य करता है। 18.47 में बताते हैं भगवान कि सभी को अपने स्वभाव अनुसार ही कार्य करना चाहिए, चाहे वो त्रुटिपूर्ण ही क्यों ना हो। अन्य के स्वभाव में कार्य करते हैं तो वो सही नहीं है। उसके बाद 18.41 से 54 में भगवान ने बताया सर्वोच्च सिद्ध अवस्था यानी आत्म साक्षात्कार ब्रह्म भूत अवस्था के लक्षण बताए। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि जो है वो शुद्ध कृष्ण भावना अमृत में आना ही है। यानी भगवान बताते हैं कि उसके लक्षण क्या है, शुद्ध बुद्धि, संतुलित कार्य, मिथ्या अहंकार रहित रहना, मंद इंद्रिया वश में करना, देहात्मक बुद्धि से निकल जाना, समभाव रहना, ये आदि लक्षण बताए हैं। उसके बाद 18.56 से 60 में भगवान ने बताया है कि भक्ति द्वारा ही और भगवान की शरण लेकर ही बद अवस्था को और पार किया जा सकता है मुक्त अवस्था तक। तो भगवान की सेवा और उनके आदेश अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। भगवत गीता 18.63 में भगवान ने तीन तरह के ज्ञान बताए हैं, गुह्य ज्ञान जो कि ब्रह्म ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान, गुहतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान, उसके बाद गुहतम ज्ञान यानी कि भगवान की शरणागत होना यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना। भगवान ने बताया है भगवत गीता के 18.67 में बताते हैं कि जो श्रद्धा विहीन है या द्वेष रखता है और रजोगुणी संयमी ना हो, तो भगवान को केवल ऐतिहासिक पुरुष ही मानते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, ऐसे व्यक्ति को गुह्य ज्ञान समझ में नहीं आता, उसे ना समझाएं, क्योंकि ये परम रहस्य जो है वो उसकी समझ से परे हो जाता है। लेकिन जो इस परम रहस्य को मेरे भक्तों को बताता है वह शुद्ध भक्ति प्राप्त करके मेरे पास ही आएगा। और जीव जो है 18.73 में भगवान ने बताया है कि जीव विस्मृति के कारण यानी कि जब वो जन्म लेता है तो मोहवश माया के प्रभाव से वो भगवान के संबंध को भूल जाता है और स्वयं को भोक्ता और स्वयं को स्वामी मानने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो परमेश्वर की सेवा में आता है और शरण में आता है तो उसकी जो स्मृति है वो पुनः जागृत हो जाती है और वो मुक्त हो जाता है, जान जाता है कि भगवान ही प्रकृति और काल के नियंत्रक है या स्वामी है और वे ही ऐश्वर्य शक्ति से पूर्ण है, योगेश्वर है। और भगवान ने जो अंत में गीता का जो सार है वो भगवान ने बीच में 18.64 में बताया है, मन मना बद भक्तो मद्या जी माम नमस्करु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियवसी में। यानी कि अंत में भगवान कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, जो तुम्हारे सारे पाप कर्म को नष्ट कर देगा। यही गीता का सार भी है। उन्होंने कहा है 18.66 में कि सर्व धर्मान प्रत्यज्य माम किम शरण भजम अहम त्वाम सर्व पापेम्भ्यो मोक्षिया स्वामी माँ शुचः। अंत में भगवान ये कहते हैं कि सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यही हमारा गीता का सार है। तो भगवान अंत में कहते हैं कि जैसी इच्छा हो वैसा करो अर्जुन को, यानी कि अर्थात इच्छा की स्वतंत्रता वो अर्जुन को देते हैं और सभी को देते हैं भगवान, कि हमारी जो इच्छा करते हैं उसकी स्वतंत्रता हमें है। अंत में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके इतने ज्ञान से मेरे अब जो मोह है वो दूर हो गया और मेरी स्मृति वापिस आ गई है और अब मेरे जो सारे संशय थे वो दूर हो गए हैं और भगवान के आदेश अनुसार कर्म करने के लिए अब अर्जुन सहमत है। संजय ने भी यह दृश्य देखने और सुनने पर बताया कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति है वहीं पर जीत निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर से सार दिया, सारी गीता का ज्ञान बड़े अच्छे से किया। धन्यवाद माता जी। माता जी, अब मेरा प्रश्न है सुधा माता जी से कि कृष्ण को अर्जुन द्वारा केशी केशी निशन के रूप में संबोधित फिर जाने के महत्व की व्याख्या के बारे में बताइए माता जी। हरे वंदना कृष्णा माता माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम और शील प्रभुपाद की जय। इसमें अर्जुन के भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, संन्यासस्य महाभाव तत्त्वम् इच्छामि वेदतुम् त्यागम्
प्रत्यावश्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदना। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। हे केशी निषूदन ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी है, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह संभव की में स्थिर रहे। फिर भी उनके मन में संशय है कि असुरों के समान होते हैं, जो संशय है वो असुरों के समान होते हैं। अतः उन्होंने श्री कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित किया। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। हरे कृष्णा माता जी, आपका संशय दूर हुआ होगा। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी पीपीटी आगे कीजिए। हाँ जी, सुमन सुमन कुलर माता जी, मैं आपसे एक कृष्ण के जो अंतिम मत था उसकी व्याख्या के लिए निवेदन करूंगी। माता जी जरा समझाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, मैं प्रयास करूंगी कि इस चीज को आपको बता सकूं। एतानि अपि तु कर्माणि संगत फलानि चाकर्त्यानि इति पार्थानि मत परमत उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किस प्रकार की असक्ति या फल की आशा के बिना समस्त करना चाहिए, ये हे पार्थ पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर स्तपन करना चाहते हैं, यही मेरा अंतिम मत है। अतः भगवान, जो धरती पर आपने बहुत से भगवान ने अवतार समय समय पर भेजे हैं, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। उनका जन्म लीलाओं का अंश है। भगवान वापसी लोक लोक गोलोक धाम जाना, द्वारका का समुद्र में डूब जाना, ये इसलिए निर्धारित किया गया ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। भगवान तो अंजमे अंजमे हैं, भगवान तो अंजमे, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अंतिम समय की भी लीला रची। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी जरा नाम का बहेलिया उनसे मूसला के बचे टुकड़े से अपने तीर की नोक बनाई थी। बहेलिए को दूर से भगवान कृष्ण के लाल लाल तलवे हिरण के मुख के समान जान पड़े। उसने तीर का बींद दिया तो तीर भगवान के पैर में लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी का बहाना बनाकर देह त्याग दी। उनका जन्म 3312 ईसा पूर्व हुआ था और 100 वर्ष से उनकी आयु ऊपर थी। जब बहेलिए पास आया तो उसने देखा कि चतुर्भुजी भगवान को देखकर डर गया और बार बार भगवान के चरणों पर सिर रखकर माफी मांगने लगा। भगवान ने कहा, हे जर्रे, तू डर मत, तूने मेरे मन के लिए कार्य किया है। मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े पुण्यवानों की होती है। और अब तुम लोगों को मैं अपने और परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुन्द्र उस नगरी को डुबा देगा और सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति कंटुब और मेरे माता पिता को लेकर भगवान के चरणों में इंद्रप्रस्थ के लिए चले जाए। द्वार, तुम मेरे उत्तिष्ठ भगवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञानिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो। इसी तरह मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। तब जरा उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। इसी तरह भगवान ने अपना अपनी अंतिम लीला समाप्त की। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अब अगला प्रश्न जो है वो पूछ रही हूँ कि कृष्ण जी के अधर्मस्य संवाद वाक्यांश के महत्व की वाक्यांश के बारे में बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में धर्मम संवादम वाक्यांश जो है प्रकट होता है, वो इस प्रकार है। और मैं घोषणा करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह बुद्धि के माध्यम से मेरी पूजा करता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करके सनातन धर्म को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए अब हम धर्मम संवादम वाक्यांश के महत्व को समझते हैं। धर्मम शब्द जो है वो संस्कृत शब्द धर्म है, उससे लिया गया है, जिसके कई अर्थ हैं।
जिनमें कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक मूल्य शामिल है। भगवद गीता के संदर्भ में हम धर्म का अर्थ जो लेते हैं उसका मतलब है कि जो धर्मी है, किसी के कर्तव्य के अनुरूप है और धार्मिकता के सिद्धांतों के अनुसार है। संवादम का अनुवाद संवाद, वार्तालाप या प्रवचन के रूप में किया जा सकता है। और इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के जो संवाद है उनको संदर्भित किया गया है, जो कि पूरी भगवद गीता में हमें सुनने को मिलते हैं। धर्मम संवादम वाक्यांश का महत्व इस विचार में भी निहित है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो पवित्र संवाद में धर्म या जो धार्मिक जीवन का सार है वो शामिल है। भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता, इन सभी के मार्ग सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है और ये मार्गदर्शन प्रदान करती है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए एक धर्मी जीवन कैसे जिए या कैसे जिया जाए। इस पवित्र संवाद का अध्ययन करके व्यक्ति वास्तविकता की जो प्रकृति है, जीवन के जो उद्देश्य हैं, धर्म के सिद्धांत जो हैं, उनके बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। ये बुद्धि के माध्यम से है कि एक व्यक्ति इस ज्ञान और समझ से जुड़ता है और ऐसा करके वो भगवान कृष्ण के द्वारा प्रस्तुत दिव्य जो पहलू है उनकी पूजा करता है या कर सकता है। श्लोक में ये भी कहा गया है कि जो लोग इस संवाद का अध्ययन करते हैं और इसकी शिक्षाओं के माध्यम से खुद को शुद्ध करते हैं, वे सनातन धर्म को प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य ये भी है कि भगवद गीता के सिद्धांतों और पाठों का आत्मसात करके व्यक्ति स्वयं को उच्च सत्य के साथ संरेखित कर सकता है और अपने वास्तविक स्वरूप और धार्मिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत जो हैं उनके अनुरूप जीवन भी जी सकता है। तो सारांश में मैं यही कहूंगा कि भगवद गीता अध्याय 18 और 17 में जो वाक्यांश है धर्मम संवादम, वो एक धर्मी जीवन जीने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन जो है उसके स्रोत के रूप में पवित्र संवाद के महत्व पर प्रकाश डालता है। हरे कृष्णा। अरे कृष्णा माता, प्रभु जी धन्यवाद, बहुत ही सुंदर से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा पूरी की, धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं माता जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सैन्य की हत्या सदृश का जो है वो हमें थोड़ा सा स्पष्ट करके बताए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम, श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर हमें 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में मिलता है। श्लोक है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, अर्थात जो स्वयं को कर्ता नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता है। जीव के हृदय से मिथ्या अहंकार निकालने के लिए प्रत्येक कर्मों के 5 कारण होते हैं, यह समझने के लिए कि तुम अकेले कर्ता नहीं हो। ये 5 कारण है। पहला है कर्म का स्थान अर्थात हमारा शरीर, दूसरा कर्ता जीव, तीसरा है करण हमारी इंद्रियां, चौथा चेष्टा और पांचवा परमात्मा। इसमें प्रथम 4 कारण तो भौतिक है किंतु मुख्य कारण तो भगवान है। इस तरह जो भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है वह यह जानता है कि मैंने अकेले कर्म नहीं किया है, मैं कर्ता नहीं हूँ। वह मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर कर्म करता है जिससे कर्म से बंधता नहीं है और इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी वह नहीं मारता, ऐसे व्रत के फल से मुक्त होता है। इस तरह जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी परमात्मा के निर्देशानुसार किए जाते हैं वो कर्म फल से मुक्त होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया माता जी, धन्यवाद। अब माता ज्योति माता जी, मैं आपसे प्रश्न पूछू कि धुएं से ढकी आग की उपमा के बारे में माता जी मुझे समझाएं जरा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम, श्री प्रभुपाद जी की जय। जिस तरह से धुएं से मतलब आग, अग्नि धुएं से ढकी होने के बावजूद शुद्धतम से शुद्ध कही जाती है, इससे हमें ये समझ आता है कि प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किया गया हर उद्योग जो है वो दोषपूर्ण वृत्ति से परिपूर्ण होता है। कोई भी एक ऐसा उद्योग नहीं होता जो प्रकृति के कल्मश से मुक्त हो। तो जैसे उदाहरण, जैसे अगर कोई क्षत्रिय क्षत्रिय अपनी क्षत्रिय वृत्ति को त्याग कर ब्राह्मण वृत्ति ग्रहण कर ले कुछ असुविधाजनक कारणों के कारण या बाध्य तथ्य के कारण, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की जो वृत्ति है, ब्राह्मण का जो उद्योग है, वो प्रकृति के कल्मश से मुक्त हो। उसमें भी कई बार ब्राह्मण को पशुवध करना पड़ता है। और जो तीसरा वर्ण है,
वैश्यवर्ण, वैश्यवर्ण भी प्रकृति के कलमश से मुक्त नहीं होता। वैश्य उप व्यापारी वर्ण, उसमें कई बार होता है कि काला बाजार लगाना पड़ता है, सत्य को छुपाना पड़ता है, और जो शूद्रा है, शूद्रा उसका मालिक कैसा भी हो, उसको फिर भी उसकी सेवा करनी पड़ती है। तो इस आग कोई धुएं से ढकी उपमा से हमारा तात्पर्य ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जो प्रकृति के द्वारा उद्योग प्राप्त हुआ है, चाहे वो कितना दोषपूर्ण प्रवृत्ति से हो, कितने बाधक तथ्य आ रहे हो, हमें उसको नहीं बदलना। इसके अलावा हमें अगर वो दोषपूर्ण उद्योग को अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में प्रयोग में लाएं, तो वो उसमें जो प्रकृति के कलमश से जो वो दूषित है, वो दूषित तत्व हट जाएगा। अगर वो भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग में किया गया और उसका सेवा का फल भी हमने भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दिया, और तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और वो दोषपूर्ण वृत्ति हट जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, उम्मीद है कि आपको मैं आपका जवाब दे पाई। हरे कृष्णा माता जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से इसका मेरे जवाब दिया। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भगवत गीता के 18वें और 53वें में उल्लिखित पर महत्वपूर्ण छंदों की पहचान करें और व्यक्तिगत उपयोग के लिए चर्चा के बारे में बताएं माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। माता जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। मश्चित्त सर्वदुर्वाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् शोषति विनक्षसि। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है कि जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, भगवान उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। अतः अहंकार में न रहकर कृष्ण पर ही एकाग्र होना चाहिए। दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले, अपने बालों में मोर पंख को धारण किए हैं, उनके शरणागत होने पर वह समग्र पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे दूसरे अनुष्ठानों के पालन की भी आवश्यकता नहीं होती। जो परमेश्वर के बारे में श्रवण करते हैं, वे भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करना कृष्ण भावनामृत कहलाता है। मन मना भव मद भक्तः, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुहतर है तथा पूर्व कृष्ण भावित होकर कृष्ण की शरणागति गुहितम उपदेश है। सभी धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने कृष्ण जी का करके बताया। धन्यवाद माता जी। और प्रभु जी, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे एक मेरे मन में जिज्ञासा आती है कि जैसे तेज गति से चलने वाली मोटर कार में बैठे हुए व्यक्ति की उपमा के बारे में कैसे है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत प्रश्न पूछने के लिए सभी को धन्यवाद करना। तो जैसे हम भगवद गीता के श्लोक को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताया है कि तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कार में बैठे से जाता है, आगे बढ़ता है। भले ही अगर हम यहाँ पे समझना चाहते हैं इसको, भले ही ड्राइवर वही हो लेकिन कार अगर अलग अलग हो तो जिस कार की क्षमता ज्यादा तेज चलने की है उसमें से वो आगे निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह भगवान 61वें श्लोक के माध्यम से हमको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जीव जितना भी योग्य होगा उसको उतना ही मिलेगा। हम जो बद्ध जीव हैं, हम जो प्राणी हैं, जितना योग्य होंगे हमको उतना ही भगवान द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर यदि हम समझें तो कार हमारे भौतिक शरीर को दर्शाता है और चालक हम अर्थात जीवात्मा हमारी। जीव कभी भी भगवान से स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि वो जीव अपने आप को भगवान से स्वतंत्र समझने लगता है। हमें कभी भी भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, जो कि हमारे इस शरीर रूपी रथ को चला रहे हैं, है ना, वो निर्देशित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कार है, तेज गति से चलने वाली जो कार है, वो
एक विशेष रूप से शरीर जो है भौतिक शरीर ये किया गया है, वो उसमें केवल और केवल भगवान के जो प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, उसके आदेश से ही उस भौतिक शरीर की निर्मिति की गई है। तो यदि यहाँ पे हम समझना चाहते हैं कि परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति विशेष जीव के लिए विशेष शरीर का निर्माण करती है, तो अब यदि भगवान श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा के आदेश से किसी भौतिक प्रकृति के लिए या भौतिक प्रकृति के द्वारा विशेष शरीर का निर्माण किया गया है, तो उस विशेष शरीर को चलाने के लिए एक विशेष आत्मा की भी या जीवात्मा की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमको नियंत्रित करते हैं। अतः जब हमको ये पता चल जाता है कि भगवान हमें नियंत्रित करते हैं परमात्मा स्वरूप में, तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो कि भगवद गीता के ही 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान हमें क्या करना चाहिए, भगवान की शरणागति करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति करता है तो वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारी जो प्रस्तुति यहाँ पे समाप्त होती है। यदि हमारे ग्रुप बी से किसी भी प्रश्न में कोई त्रुटि रही हो तो पूरे ग्रुप बी की तरफ से मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी ने जो स्टार्ट किया कि सुधाकर प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कुछ भी नहीं है माता जी, ये तो सब मर्सी है हमारे शिक्षा गुरु नमानिष्ठा दास प्रभु जी की, उन्होंने हमें निमित्त मात्र बनाया। तो ये सब भगवान की साइकिल है, भगवान की लीला है, उसमें जो जुड़ता है वो भगवान के धाम जाता है, जो नहीं जुड़ता है वो इमेटरिस्टिक जो हमारा दुखालय है इसमें रहता है। तो माता जी सब हम सब एक ही नाव पे सवार हैं, बस इतना अंतर है कि आप भी स्टूडेंट है, हम भी और हमारे और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस हम टाइम पे असाइनमेंट दे दे रहे हैं टाइम पे, जैसे नहीं एक क्लास में भी एक स्टूडेंट एक ऐसा होता है जो टीचर का चहेता होता है, आगे बैठता है और टाइम पे असाइनमेंट दे देता है। आप मुझे वैसे ही समझ सकते हैं, हम सब एक ही क्लास में हैं और ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम सबका लक्ष्य ये है कि हमारा जो गुरु है, गुरु जो है गुरु साधु शास्त्र, ये तीन हमें हमेशा ही याद रखने चाहिए। अगर ये तीन हम याद नहीं रखते हैं तो हमारा कोई भी नॉलेज है जो हम अध्यात्म के लिए ले रहे हैं तो प्रभुपाद उसको क्या बोलते हैं कि वो बेकार की नॉलेज है। और बेकार की नॉलेज लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि हम कुछ करते तो पाएंगे नहीं उसका, क्योंकि यूज करना भी तो आना चाहिए ना हमें। तो इसलिए यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन और 18 चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि जैसे कहते नहीं कि हमारी मेटलिस्टिक में फिल्म छूट जाए तो हमें क्लाइमेक्स बता देना, उससे हमें पता चल जाएगा। तो 18 चैप्टर है, पूरा सार है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और 18 चैप्टर तक आते आते आप लोगों का जो भगवान के प्रति जो कहते नहीं कि भक्ति और गुरु के प्रति विनम्रता वो इसमें दिखाई दे रही है। तो यही परिवर्तन होता है कि डे वन अगर देखेंगे जो लेवल चैप्टर वन था तो उसमें कभी कोई माइक ऑन कर रहा है, कभी वो किताब में देख के पढ़ रहा है, कभी कॉपी देख के पढ़ रहा है, कभी ये। तो ये नो डाउट सभी स्टार्टिंग ऐसे ही होती है। बच्चा भी पहले जब बॉर्न होता है तो वो क्या करते हैं उसको, वो कितनी बार गिरता है, चलता फिर गिरता फिर पकड़ के चलता फिर बैठ धीमे धीमे चल लेता। उसे कोई ऐसा तो नहीं कि वो कोई पैदा होने से पहले और या बाद में कोई चेंजेस आ जाते हैं उसमें, वो अपने आप ही, क्योंकि उसे सदियों से चलने की आदत है। ऐसा नहीं हम सिखाते हैं, माँ बाप कहते नहीं हमने सिखाया, हमने कुछ नहीं सिखाया उसे, क्योंकि उसका पहला जन्म नहीं है, वो कितने अनादिकाल से जन्म ले रहा है, आ रहा है, जन्म ले रहा आ रहा है, तो ये सब पहले से सीखा हुआ है। तो वैसे ही हमारा भी है,
हम ऐसा नहीं कि गीता का जो महत्व है वो आज हम समझ रहे हैं, ऐसे हमारे कितने जन्म हुए होंगे, हमने कहाँ पे पढ़ा होगा, कहाँ पे छोड़ा होगा, लेकिन हाँ ये भगवान जरूर बोलते हैं कि दुखामत यत कर्म कामेक्त सावत पंते है, कि अगर कर्म ऐसे करोगे जैसे राजसी त्याग होते हैं या तमोगुणी त्याग होते हैं, जैसे करोगे और जहां पे छोड़ोगे, जैसे मकान बना रहा है कोई तो मकान जहां पे छोड़ा अगले दिन भी वहीं पे होगा, बनाना वहीं से पड़ेगा, अपने आप नहीं बन जाएगा। तो ऐसा ही अध्यात्म में भी होता है कि जो भी हम नियत कर्म करते हैं और उसका जो रिजल्ट आता है वो वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे हम छोड़ते हैं। अगर हमने गीता चैप्टर 6 तक छोड़ी तो किसी न किसी जन्म में हमें 7, 8, 9, 10 पूरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तभी पास होंगे और पास होंगे तभी भगवत धाम जाएंगे। तो वो क्वेश्चन पेपर तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं भाग सकते हैं। तो इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है, दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये है कि अगर भगवान ने कर्मयोग पहले 6 चैप्टर में, ठीक है, भक्ति योग अगले 6 चैप्टर में, फिर ज्ञान योग सबसे लास्ट चैप्टर में, तो ऐसा क्यों रखा? जब भक्ति योग सबसे उत्तम है तो वो तो पहले आ ही चुका था, फिर उसको क्यों बाद में चैप्टर में लेके गए? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा कि सन्यासी और जो 4 आश्रम हैं उसमें सन्यासी हुआ या वानप्रस्थ हुआ वो समाज से दूरी बना लेता है, पर 80 चैप्टर में आप देखेंगे ये हमें ये भी बताता है कि जो सन्यासी या वानप्रस्थी होते हैं वो डिवोटीज के शादी या विवाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, विवाह करवाते हैं, प्रभुपाद ने भी करवाया। तो ये दोनों कैसे समझाएंगे आप? एक तरफ कहते हैं कि वो 4 आश्रम और बर्ड जो बनाए हुए हैं उनको मानना है वेद शास्त्र में, और दूसरी तरफ वो मैटरिस्टिक में ले जाते हैं, सन्यासी जो हैं वो विवाह समारोह में भाग लेते हैं जैसे प्रभुपाद ने लिया है और शादियां करवाई हैं, तो इन दोनों को कैसे समझाएंगे? पहला क्वेश्चन कि जब कर्मयोग से अच्छा भक्ति योग था जो कि आ चुका है बीच में ही चैप्टर 7 से 12, तो फिर 13 से 18 की जरूरत क्या पड़ी? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये हो गया कि जब वो आश्रम जो बनाए गए आध्यात्मिक जिनको वर्गों में बांटा गया जिसमें ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया और सन्यासी, ये जो वानप्रस्थ और सन्यासी हैं ये गृहस्थ में क्यों जोड़ देते हैं, शादियां क्यों करवाते हैं? ये दो क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय, दंडवत प्रणाम सभी को प्रभु जी। मेरे हिसाब से एक मिनट माता जी, जितनी भी माताएं हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं बोल सकती हैं इस्कॉन में टेंपल में, केवल प्रणाम बोलिए, क्योंकि ना आप दंडवत करती हैं, आपको लेटने के मना किया गया, पहले भी मैंने बताया, जितनी भी माताएं हैं किसी भी माता या प्रभु से दंडवत नहीं बोलेंगी, केवल प्रणाम बोलेंगी, प्रभु लोग बोल सकते हैं दंडवत, ऐसा मंदिर से आज्ञा है। प्रभु जी वो इसलिए कि ये जो आचार्य और सन्यासी विवाह इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में भी कृष्ण भावना अमृत का पालन किया जा सकता है, और कृष्ण भावना अमृत संतानोपत्ति के लिए, कि जो संतानें हो वो कृष्ण भावना अमृत वृत्ति से हो, और गृहस्थ आश्रम में भी अगर प्रत्येक कर्म गृहस्थ का पालन भी भगवान की सेवा भाव से किया जाए तो वो दोषपूर्ण तो नहीं है। अगर हम सारी जिम्मेदारियां सेवा भाव से कर रहे हैं, और हो गया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड क्वेश्चन एक बार वापस बताएं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हमारे 4 आश्रम बनाएंगे जिसमें पहला ब्रह्मचारी है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ और सन्यास, जब ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आ ही चुका है, गृहस्थ के बाद जब वो इस गृहस्थ से ऊब जाते हैं, मतलब आध्यात्म से की तरफ जाने के लिए मैटरिस्टिक से ऊब जाते हैं, तब वो सेवानिवृत्ति लेते हैं उसी जीवन से, सेवानिवृत्ति मतलब हो गया वानप्रस्थ, उसके बाद वो सन्यास ले लेते हैं, त्याग कर देते हैं जीवन का जो मैटरिस्टिक जीवन है, तब भी सन्यासी एक विवाह समारोह में भाग लेते हैं बढ़ चढ़ के और शादियां कराते हैं जैसे प्रभुपाद ने कराई हुई है। प्रभुपाद के शिष्य ऐसे नहीं शादीशुदा नहीं है कि सबने गेरुआ वस्त्र भगवा वस्त्र पहन लिए,
अगर एक तरफ वो प्रोत्साहित कर रहे हैं शादी करने के लिए और दूसरी तरफ प्रभुपाद कह रहे हैं कि वानप्रस्थ और संन्यास ले लो भगवान से पास जाने के लिए, तो ये कैसे समझाएंगे इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी, मतलब जो प्रभुपाद जी श्री प्रभुपाद जी हैं उनके उनके अनुसार तो मुझे प्रॉपर नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे स्वयं जो प्रभुपाद जी थे वो भी गृहस्थी थे, तो वो और लास्ट में उन्होंने यानी कि जब गृहस्थाश्रम पूरा किया, वानप्रस्थ आश्रम पूरा किया, तो उन्होंने संन्यास नहीं किया, यानी कि सारे वर्णों को उन्होंने, सारे आश्रमों को उन्होंने परिपूर्ण किया, भलीभांति निभाया। तो इसी तरीके से वो चाहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो शादी करे, शादी करके जो संतान उत्पत्ति हो वो भगवत सेवा के लिए हो, कृष्णा जी के लिए हो, कृष्ण भावना भावित हो कह सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पहले आप गृहस्थ आश्रम कंप्लीट करें, उसी के बाद उसी में आगे चल के आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम तक पहुंच सकते हैं और भगवत सेवा में लगा जा सकता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि पहले ब्रह्मचारी रहो, फिर उसका गृहस्थ कर लो, गृहस्थ में इतना पत्नी से परेशान हो जाओ कि घर छोड़ के भाग जाओ और गेरुआ वस्त्र पहन लो कि हम चले हरिद्वार और भगवान की जय जयकार, मतलब ये तो मतलब ये नहीं। नहीं प्रभु जी, जैसे ये हुआ ना कि जैसे अब जब गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ, अब ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, तो उसके बाद जैसे सारी कहते हैं ना सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर की भी पूरी हो गई और शुरू से वो कृष्ण भावना भावित में थे ही, कृष्णा जी के लिए लगे हुए हैं, तो संतान उत्पत्ति हुई वो भी वैसी हुई और लास्ट में वो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि ऐसा हो सकता है शायद कि वो चाहते हैं कि लास्ट में संन्यास आश्रम हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारी उधर की जिम्मेदारियां वो पूरी हो चुकी होती है, तो भगवान के लिए हम पूरी तरह से समर्पित कर सकते हैं फिर लास्ट में अपने आप को। तो माता जी जब जिम्मेदारियां होंगी नहीं वो ज्यादा अच्छा है ना, सीधे ब्रह्मचारी रहो उसके बाद वानप्रस्थ ले लो, संन्यास ले लो, काहे को आपत पाली है। तो प्रभु जी फिर जो फिर तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी ना, जो कृष्ण भावना भावित लोग फिर आगे होंगे ही नहीं अगर कोई भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा। जी जी माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये बोल रही हूँ कि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम है और यहाँ पर भगवान ने भी कहा है अपने कर्म करो और उसके बाद मेरा ध्यान करो, सारे कर्मों को मुझको समर्पित कर दो, इसलिए गृहस्थ आश्रम में आदमी अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए भी सारे कर्म करता हुआ भगवान को समर्पित करता है, यही कृष्ण भावना भावित होकर आगे बढ़ता है, फिर संन्यास ग्रहण करता है शायद। प्रभु जी, प्रभु जी जैसे कि योगी जो होता है ना उसको समाज के मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और जो विवाह उत्सव जो है वो भी एक यज्ञ है, तो जो विवाह यज्ञ कहलाता है, तो कोई भी यज्ञ अगर मानव कल्याण के लिए है तो उसको मतलब करना चाहिए और जो पारिवारिक संबंध का त्याग करके जो सन्यासी आप कह रहे हैं सन्यास ग्रहण कर लिया उसको भी जो है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन देना चाहिए प्रभु जी, क्योंकि ये मानव जो है ना उससे मन संयमित करने की जो कला है वो सीख पाता है। हाँ यस माता जी, बिल्कुल सही आंसर है आपने दिया, तो इसमें हमें गीता से ही समझना चाहिए कि 18.5 में आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यम कार्यमेव तथा, तो क्या बोला हुआ है कि आप अगर कोई योगी है ठीक है वो मानव समाज के लिए मतलब मानव समाज के लिए उन्नति के लिए कार्य करता है, वो कैसे कार्य करेगा क्योंकि इसमें एक शब्द आता है विवाह उत्सव होता है वो यज्ञ होता है ठीक है, अब यज्ञ किसके, यज्ञ किसको माना जाता है भगवान विष्णु के लिए, यज्ञ किसके के लिए किया जाता है भगवान विष्णु के लिए, वो मानव समाज जो योगी होगा वो मानव समाज के लिए करेगा और मानव समाज के लिए उन्नति के लिए कर्म करेगा, कैसे मानव समाज की उन्नति कब होगी जब हम यज्ञ करेंगे और विवाह उत्सव में यज्ञ किया जाता है और ये और जो विवाह होता है वो यज्ञ कहलाता है, ये गीता में ही लिखा हुआ 18.5 में, तो भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ मतलब विवाह क्या है एक यज्ञ है, कोई भी यज्ञ एक मिनट हेलो हाँ मैं करता हूँ अभी कॉल बैक।
तो कोई भी यज्ञ जो किया जाता है तो उसको मानव समाज के लिए माना जाता है। तो यहाँ पे विवाह है वो एक यज्ञ जैसा लिया है, इसलिए इसको अलग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या संतान उत्पत्ति वो बाद में आता है। और भगवान खुद कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, मतलब यज्ञ दानव तप कर्म त्याज्य कार्मेव ततः, भगवान बोलते हैं कि जो भी मानव समाज के लिए हो, कल्याण करे, जो भगवान के प्रति कभी भी परित्याग ना करे। ठीक है, किस चीज का परित्याग ना करे? यज्ञ दान और तप का। तो इसमें यज्ञ भी आ गया और विवाह में दान भी होता है। दान क्या होता है कौन बताएगा? विवाह में क्या दान कन्यादान होता प्रभु जी, है? हाँ, कन्यादान, कन्यादान कन्या दान। तो देखो, कन्या भी दान हो गई, और तपस्या क्या होती है? विवाह को निभाना कर्म करते हुए। कृष्ण हरे कृष्णा भावना, प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत की संतान की उत्पत्ति करना। प्रभु जी यज्ञ की स्तुति करना, मतलब यज्ञ को संपन्न करना, और मन, हरे कृष्णा प्रभु जी, मन वाणी और शरीर का पर संयम रखना, ये प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए जो हम ये विवाह संस्कार करते हैं, ये भी पवित्र कर्म जो है हमारे, वो तपस्या ही होते हैं प्रभु जी शायद। पहले जो माता जी बोली कौन था, वो माता जी कौन थी? रक्षा रक्षा हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला है माता जी ने, बिल्कुल रक्षा आंसर सही दिया है। हाँ, रक्षा में जी माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि हमारा मन वाणी, तपस्या क्या हुआ? तपस्या उस विवाह तक जो तपस्या की, मतलब अगर एक योगी अगर आपकी विवाह कराने आ रहा है तो आपने बहुत अच्छी तपस्या की होगी तभी आएगा, नहीं योगी तो नहीं आते ना। हमारे यहाँ कौन है? पंडित आता है, वो उसे आधा आता आधा नहीं आता, क्या बोलता क्या नहीं बोलता, इसीलिए तो शादियां टूट रही हैं। प्रभुपाद बोलते हैं वो तो ना टूट रही हो तो तोड़वा देगा, क्योंकि वो वेद शास्त्र के आधे मंत्र पढ़ता आधे नहीं पढ़ता, वो तो कर्म कांड करके जाता है, क्योंकि ना तो उसे ज्योतिष का पता है ना उसको वेद शास्त्र का पता है। वो अपने आता है, आपने उसको पैसे दिए, उसने लड्डू पूड़ी जो भी हो बांधी अपनी गठरी और वो निकल जाता है। उसके बाद दोबारे दूसरी शादी करवाता है किसी को, उसके बीच में नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये यहाँ पे भगवान यही कहना चाहते हैं, एज्ञो दानम तपस्य विपावनान मनीषिणाम। क्योंकि जो भी हम मानव समाज के लिए, मानव कल्याण के लिए करते हैं, वो कैसे करें कि उसमें सारी चीजें उत्तम होनी चाहिए और उनका परित्याग नहीं होना चाहिए। अगर योगी यज्ञ दान और तप का कर्म का अगर परित्याग कर देता है, फिर वो योगी नहीं है। इसलिए योगी को जाना पड़ता है सन्यासी को विवाह समारोह में, कि वो वहां पे यज्ञ और दान और तप जितने भी कर्म है उसको ये ना बोले जाए कि उसने परित्याग कर दिया। अगर वो परित्याग कर देता है तो उसका उसको फल नहीं मिलेगा। तो और ये जो यज्ञ दान ताप है, ये किसकी? महात्मा योगी है, उनको भी शुद्ध बना देते हैं। क्योंकि जहां पे भी यज्ञ होता है, जहां पे भी वैष्णव होता है, वो कहते हैं भगवान की वहीं पे वैकुंठ हो जाता है। तो ऐसे वैकुंठ में कौन नहीं जाना चाहे, क्योंकि योगी खुद एक मनुष्य है, वो चार वर्ण आश्रम जो है उनसे निकल के ही तो वो आगे गया है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, तो इस पे प्रभु हमें, जी, हाँ बोलिए यस प्रभु जी। प्रभु जी जो पहला क्वेश्चन था कि भक्ति और ज्ञान का जो क्यों जरूरी था, वो इसलिए था प्रभु जी कि ज्ञान के बिना भक्ति में गलती या पतन हो सकता है, और शुद्ध भक्ति ज्ञान से और मजबूत बनती है प्रभु जी, उसमें गिरने का और पतन होने का गुंजाइश कम रहती है। हाँ सही है। थोड़ा और वैसा बनाए माता जी, क्लियर। जो माया के जो जाल है उसको हम उससे ज्ञान से काट दें प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस
कर्मयोग की चर्चा पहले इसलिए की गई है प्रभु जी, क्योंकि कर्म से हम ये हमें अन्य जो मार्ग हैं उनकी ये नींव का काम करता है, जिसमें हम अपने जो आसक्ति के बिना हमने पढ़ा के कर्तव्य निभाने के महत्व को ये बल देता है। और निस्वार्थ कर्म एक बार जब हम समझ लेते हैं तो फिर उसके बाद भक्ति योग की चर्चा की गई है, क्योंकि जो उच्च शक्ति है उसको प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण चाहिए, और परमात्मा से कैसे हम एक रिश्ता विकसित कर सकते हैं ये सारी चीजें उसमें हैं। और ज्ञान अंत में इसलिए है प्रभु जी क्योंकि ज्ञान जो है वो ज्ञान का मार्ग है, आत्म साक्षात्कार यहाँ पे होता है, आत्मा और चेतना के बीच में हमें फर्क पता चलता है। तो ये जो जो क्रमिक प्रगति है इस पाथ के ऊपर, ये तीनों योग जो है एक क्रम से हमें उस शक्ति तक ले जाते हैं जहाँ पे हमें आत्म साक्षात्कार होता है प्रभु जी, मेरे मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत बढ़िया आपने डिटेल दिया। इसका बड़ा सिंपल प्रूफपाद बताते हैं कि जैसे जो महंगी चीज होती है, अपना जेवर, माल जेवर या कड़ा और क्या पहनते हैं, जंजीर, कोई भी दरवाजे पे टांग के नहीं आ जाता है। देखा कभी, उसे लॉकर में रखा जाता है। इसलिए जो भक्ति योग है वो बीच में सैंडविच जैसा है। जैसे हम मैकडी में वो खाते हैं ना, मैकडोनल्ड में वो वेज क्या बर्गर, टिक्की बर्गर, बोलते हैं क्या, बर्गर, बर्गर, तो उसके जो 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 मेन चीज टेस्ट वाला होता है वो ब्रेड के बीच में रहता है। ऐसे ही यहाँ पे कर्म योग नीचे है, बीच में सैंडविच जैसा जो टेस्ट देने वाला है, जो बहुत गुम ज्ञान है, ठीक लिंग, है, वो बीच में है, उसके बाद ज्ञान है, तो ढका हुआ है। इसके मतलब बीच वाला कब मिलेगा, जब पहले, प्रभुपाद बड़ा सिंपल बताते, पहले वाला खाओगे, मतलब ऊपर वाला खाओगे, नीचे वाला खाओगे, दोनों तरफ से कटेगा, और हमारे दांत नीचे से जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, दोनों कटेंगे, तब बीच वाला टंग से टच होगा, तब वो टेस्ट आएगा। ऊपर वाले से टेस्ट नहीं आता, वो तो केवल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे टेस्ट का मतलब हो गया हायर टेस्ट, प्रभुपाद कहते हैं हायर टेस्ट मतलब अध्यात्म का। इसलिए जो हायर टेस्ट है वो भक्ति योग है, और ज्ञान योग है कि जिससे कि आप ज्यादा ज्ञान अर्जित करके कहीं ऐसा निर्विशेषवादी मायावादी बन जाएं। इसलिए उन्होंने पहले भक्ति योग दे दिया कि पहले भक्ति में ये उत्तम है, भक्ति करो, उस भक्ति को फिर ज्ञान के द्वारा समझो, जिससे कि ये निरंतर आदिकाल तक करते रहो। अगर कर्म योग के बाद ज्ञान योग दे देते तो निर्विशेषवाद मायावादी हो जाते हो, क्योंकि ज्यादा ज्ञान जो अर्जित करता है वो निर्विशेषवाद मायावादी हो जाता है। इसलिए कर्म योग से उत्तम है ज्ञान योग, दोनों से उत्तम है भक्ति योग। वो सिंपल स्केलेटर, ये मान सकते हो स्टेयर है जो ऊपर जा सकते हो। तो ये प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि हम जैसे हीरा ज्वेलरी बॉक्स हो टाइप गया, ज्वेलरी हो गई, वो अंगूठी बनाते तो नग बीच में रहता है, जो भी डायमंड वगैरह है। अगर हम नेकलेस बनाते हैं तो भी उसके नीचे हम पहनते हैं तो उसके चारों तरफ सोना रहता है या चांदी रहती है, उसके बीच में जो भी स्टोन है वो बीच में रहता है। तो ऐसा ही भक्ति योग है। हरी बोल। तो अभी अभी आगे वाला लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रुप बी, सॉरी ग्रुप ए एड्रेस करें। आज बहुत से लोग नहीं दिख रहे हैं, प्रभु तो जी, अभी माफ। एक और नया ग्रुप आया है। पहले एच पहले ग्रुप जी बना था, अभी एच भी बना है। तो ए बी सी डी ई एफ और अभी जी एच। तो डिवोटीज 40-50 पर पहुंचे हैं लगभग। आज अभी 48 है, 50 पर पहुंचे थे। अभय प्रभु जी को कोर्स बनाना है। अभय प्रभु जी हैंड्रेस करें। हाँ, बना दिया, एक ही है, अभय कुलकर्णी प्रभु प्रभु जी की दो आईडीज हैं। प्रभु जी एक ही में बनाना है कि दोनों में? दोनों में बन रहे थे। दोनों को। हाँ, बना दिया।
ये लोग ये कम कैसे होते जा रहे हैं? प्रभु जी, अभय प्रभु जी, आपने ब्रेकअप रूम शायद ऑन कर दिया है। हरे कृष्णा, ब्रेकअप रूम जो रूम खोल दिया है, ब्रेकअप रूम खोल दिया। डिवोटीज कहाँ गए? तो प्रभु जी ने ब्रेकआउट रूम कर दिया, मैंने अभी क्लोज किया है, अब वापस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। हरे कृष्णा, अभय प्रभु जी ब्रेकअप रूम को बंद करें। प्रभु जी शायद अभी भी एक रूम ऑन है। नहीं, मैंने सारे क्लियर कर दिए, अभी 10 सेकंड बचे हैं उसको, सारे ब्रेकआउट रूम विल क्लोज इन 5 सेकंड। सुंदर कृष्णा ने प्रभु जी कृपया प्रस्तुति आरंभ करें। अभी सारे क्लोज हो गए। हाँ, स्टार्ट करिए। दो डिवाइस पे करेंगे तो सुंदर प्रभु जी, डिस्टर्बेंस आ रहा है, दोनों डिवाइस के पास पास में है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शुरू करें प्रभु जी, शुरू करें जी। हाँ, यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को, श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। मैं सुंदर कृष्णानी ग्रुप के प्रेजेंटेशन नंबर 14 अध्याय 18 श्लोक नंबर 2। प्रभु जी सबसे पहले मैं कृष्ण प्रभु जी थोड़ा सा 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय पहले बोले, फिर शुरू करें प्रेजेंटेशन। जी माता जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा कि सुधाकर प्रभु जी के हम सब लोग कृतज्ञ हैं, सभी ग्रुप ए के, और विशेषकर मैं और मेरी वाइफ माता पुष्पा कृष्णानी, कि आपने हमें अंधकार से प्रकाश में लाए और अध्यात्म की तरफ हमें मोड़ा है, और हम अंतरात्मा से आपको धन्यवाद करते हैं और यह कहते हैं, और यह आपका बड़प्पन है कि आप हमें, आपने आपको भी खुद को भी इस क्लास के ही एक स्टूडेंट की तरह मानते हैं। प्रभु जी यह आपका हमें उम्र भर याद रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा सवाल है, ज्ञानी सभी कर्मों के फल का त्याग करना क्या कहते हैं? प्रभु जी मेरा प्रश्न अध्याय 18 के श्लोक नंबर 2 से है। श्री भगवान उवाच है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कव्यः विदुः, सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुः त्यागम विचक्षणाः। जो भौतिक इच्छाओं पर आधारित त्याग होता है उसे संन्यास कहते हैं, ये विद्वान लोगों का मत है। और अगर सभी कर्म फलों के त्याग को त्याग कहें तो यह सब विद्वान लोगों का मत है। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन के माध्यम से कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति और हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। अतः ज्ञानी इच्छाओं के वशीभूत होकर भी कोई फल की कामना नहीं करते, वे समस्त कर्मों के फल त्याग को ही त्याग कहते हैं। यह मानते हैं कि ज्ञान यज्ञ
तथा तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो जी मेरे मत के अनुसार जो मेरी समझ है, मेरे हिसाब से शास्त्रों में त्याग भी तीन प्रकार का बताया गया है। विद्वानों का मत भी यही होता है कि सकाम कर्म हेतु किए गए त्याग को दुष्पूर्ण मानकर त्याग देना चाहिए। विद्वानों ने इसे मतभेद है, अतः श्री भगवान ने त्याग की विशेष व्यवस्था की है। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे सुंदर कृष्णानी प्रभु जी। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए पुष्पा कृष्णानी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपनी प्रस्तुति दे। हरे कृष्ण। श्री पुष्पा माता जी नहीं आ रही। हाँ आ रही है माता जी। सुंदर प्रभु जी का ले लीजिए माइक। अपना ऑफ कर दीजिए। जी 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 हरे कृष्ण सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्ण सभी को। जय हो। आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण। पुष्पा माता जी म्यूट हो गई लगता है। महात्माओं को भी सिद्ध मनाते हैं। ये तीन कर्म निम्न है। एक है यज्ञ, दो है तप। भगवान श्री कृष्ण के मत अनुसार में आचरण करना चाहिए। मेरे हिसाब से विद्वानों में कर्म के त्याग को लेकर मतभेद है। विशेष कुछ विद्वान सही मानते हैं और कुछ गलत मानते हैं। अतः हमें भगवान के हिसाब से कर्म का वर्गीकरण करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय हो। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय हो। बहुत अच्छे माता जी। अभी विनोद अरोड़ा प्रभु जी की प्रस्तुति देने के लिए मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि कृपया विनोद अरोड़ा जी की प्रस्तुति दे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आप दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज जा रहा है प्रभु जी? आ रही आ रही। अच्छा, हमारा प्रश्न है क्या प्रभु जी, सभी कार्यों की सिद्धि के पांच कारणों की सूची बनाइए। श्लोक है, पश्यतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणाम अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथिगधम विविधाश्च पृथिक्लिष्टा देवम च एत्राव पश्यमम। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सफलता के लिए पांच कारण वेदांत दर्शन में कहे गए हैं। इन पांच कारणों को जानना चाहिए। उनको मैं कहता हूँ, पहला है शरीर, दूसरा जीव, तीसरा मन, चक्षुरादि इंद्री, चौथा प्राणादिक, पांच वायु की चेष्टा और पांचवा है परमात्मा इत्यादि परम कारण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छे प्रभु जी। अब मैं आगे की प्रस्तुति के लिए मोहिनी माता जी से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया अपनी प्रस्तुति दें। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। मेरा प्रश्न है भगवद गीता अध्याय 18 श्लोका 28 के संदर्भ में तमोगुणी कर्मों के 5 लक्षण बताए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तमोसिक कर्ता का निरूपण करते हैं। जो कर्ता अनुशासनहीन, अशिष्ट, कपटी, आलसी तथा निराश होता है और टालमटोल करता है, वो तमोगुणी कहलाता है। तामसिक प्रवृत्ति के मनुष्यों का मन मस्तिष्क नकारात्मक सनक से कलुषित रहता है और इस प्रकार से वो अनुशासनहीन हो जाता है। उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है, किंतु वो चेष्टाओं को श्रम साध्य और कष्टदायक समझते हैं। इसलिए वो आलस अर्थात आलसी और दीर्घ सूत्री अर्थात टालमटोल करने वाले होते हैं। उनके अधम और स्वार्थी विचार किसी अन्य की तुलना में उन्हें अधिक प्रभावित करते हैं, जो उन्हें दुखी और हताशा बनाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे माता जी। अब आगे की प्रस्तुति मिताली माता जी देंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। मेरा प्रश्न है भगवद गीता अध्याय 18 श्लोका 37 के संदर्भ में बताए सद्गुण में सुख के 3 लक्षण और लक्षणों की सूची बनाए। जो आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन अंत में जिसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है, उसे सात्विक सुख कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण आमला का उदाहरण देकर कहते हैं कि सात्विक सुख भी उसी प्रकृति का होता है जो अल्पकाल के लिए दुख के रूप में कड़वा लगता है और अंत में सुख के रूप में इसका स्वाद अमृत बन जाता है। ये सुख शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा माता जी। आगे की प्रस्तुति दीप्ति माता जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपनी प्रस्तुति दें। दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। गुण ऑफ ब्राह्मण, शांति, संयम, तपस्या, पवित्रता, धैर्य, अखंडता, ज्ञान, ज्ञान और भविष्य में विश्वास, ये ब्राह्मणों के लिए काम के आंतरिक गुण हैं। उनका प्राथमिक कर्तव्य तपस्या करना, मन की पवित्रता का अभ्यास करना, भक्ति करना और दूसरों को अपने उदाहरणों से प्रेरित करना था। इस प्रकार उनसे सहिष्णु, विनम्र और आध्यात्मिक विचारों वाले होने की अपेक्षा की जाती थी। उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने लिए और अन्य वर्गों के लिए वैदिक अनुष्ठान करेंगे। उनके स्वभाव ने उन्हें ज्ञान के प्रति प्रेम की ओर प्रवृत्त किया। अतः अध्यापन का पेशा, ज्ञान की खेती करना और इसे दूसरों के साथ साझा करना भी उनके लिए उपयुक्त था। आगे गुण ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय के गुणों में वीरता, शक्ति, धैर्य, शस्त्र में निपुणता, युद्ध से कभी पीछे न हटने का संकल्प, दान में बड़ा दिल और नेतृत्व क्षमता, ये क्षत्रियों के लिए काम के स्वाभाविक गुण हैं। क्षत्रिय वे थे जिनकी प्रकृति मुख्यतः राजसिक थी, जिसमें सत्व गुण का मिश्रण था। इसने उन्हें शाही, वीर, साहसी, आज्ञाकारी और परोपकारी बना दिया। उनके गुण मार्शल और नेतृत्व कार्यों के लिए उपयुक्त थे और उन्होंने देश पर शासन करने वाले प्रशासनिक वर्ग का गठन किया। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि वे ब्राह्मणों की तरह विद्वान और शुद्ध नहीं थे, इसलिए वे ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और उनसे वैचारिक, आध्यात्मिक और नीतिगत मामलों में सलाह लेते थे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण, बहुत अच्छा माता जी। अभी आगे की प्रस्तुति के लिए मैं पूनम शर्मा माता जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपनी प्रस्तुति। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न है, समर्पण के 6 लक्षण संस्कृत और अंग्रेजी में सूचीबद्ध करें। समर्पण के 6 लक्षण अंग्रेजी और संस्कृत में सूचीबद्ध करने के लिए इसमें बताया है, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षसी विश्वासो, गोतृप्ते वर्णम, तथा आप निपेक्ष कांपीय षड विद्या शरणागति। अर्थात भगवान इसमें बताते हैं कि अनुकूलस्य संकल्प, यानी कि जो भगवान के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, हमें उनके विषय में ही सोचना चाहिए, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जो भगवान की धाम तक हमें पहुंचाने में मदद करते हैं या कृष्ण भावना भावित बनने में हमें मदद करते हैं। तो जो जिनके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि जो हमारी इंद्रियां हैं, तो हम सभी इंद्रियों को अपने भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे कि हमें हाथ में हाथों से मंदिर को साफ कर सकते हैं, पैरों से भगवान के मंदिर तक चल के जाया जा सकता है, नाक से फूलों को सूंघ सकते हैं। इसी प्रकार से हम सारी इंद्रियों को भगवान के कार्यों में लगा सकते हैं, जो भगवान के अनुकूल कार्य हैं उनकी में ही अपना ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा बताया था प्रतिकूल से वर्जनम, अर्थात जो कार्य भगवान के लिए नहीं है उनमें हमें नहीं सोचना चाहिए, उनके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए, भौतिकता के प्रति आकर्षित कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताया था इसमें रक्षसी विश्वासों, कि हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे। इसके लिए उन्होंने भगवान ने 9.22 भगवत गीता के श्लोक में बताया भी है कि अनन्याश्चित अनन्याश्चिंत यंतात्मा ते जना पर्युपाशते तेषां नित्यो युक्तानां योगक्षेम वहाम्यम। तो योगक्षेम वहाम्यम से मतलब है कि मैं जो मेरा अनन्य भक्त है, जो अनन्य भक्ति से मेरी शरणागति में है, या मेरे मुझे जो भजता है, मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। तो भगवान यहाँ पे उसकी रक्षा की विश्वास उसको दिलाते हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखे। आगे बताते हैं इसमें गोत्रप्त वर्णम आत्मनिपेश कार्पण्य षड विद्या शरणागति। तो आगे इसमें भगवान कहते हैं कि भगवान के की कृपा पर सदैव निर्भर रहना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें क्या करना है, ये हमें सोचना ही नहीं है, हमें सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना है। भगवान हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि गरीब से गरीब कह सकते हैं, निर्धन से निर्धन हूँ, या मेरे पास कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, इस तरह की थिंकिंग के साथ अगर हम रहते हैं तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भगवान के अलावा और किसी भी चीज में रुचि नहीं लेनी चाहिए, अर्थात जो भी करना है वह भगवान के लिए ही होना चाहिए, भगवान के लिए ही होना चाहिए। सदैव नम्र और विनम्र रहना, ये भी एक आत्मसमर्पण का लक्षण है कि जो वैष्णव है वह नम्र और विनम्र, अर्थात वह सभी हर तरीके क्या बोलते हैं उसको, सुख दुख में समान और झुकने वाला, हर तरीके मतलब कोई भी हो उसके सामने हटना हटी नहीं होता है, वह अपने आप को समर्पण कर देता है और बहुत नम्र भाव से विनम्र भाव से सबके साथ व्यवहार करता है। तो इसमें बताते हैं भगवान कहते हैं कि पहले बताई जो विधियां हैं, अर्थात जो भगवान कह रहे हैं आगे इसमें 66 जो श्लोका है भगवत गीता का, उसमें भगवान कहते हैं कि इससे पहले मैंने जितनी भी विधियां बताई हैं, जो भी बताया है उन सबको त्याग दो, उन सब का त्याग करो, उन सभी धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण को ग्रहण करो। इसके लिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम मुक्षयसि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ग्रहण करो, मैं मेरी शरण ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, नष्ट कर दूंगा, या कह सकते हैं कि भगवान उनकी रक्षा का वचन खुद देते हैं और उसको सभी पापों से ताड़ती हैं। तो ये जब जो एक वैष्णव भक्त होता है वो इन सभी लक्षणों को रखते हुए भगवान के प्रति शरणागति ग्रहण करता है और भगवान धाम को जाने की कोशिश करता है। भगवान धाम जाने की उसकी इच्छा नहीं होती एक भक्त की, वो चाहता है कि हमेशा भगवान की सेवा करे, भगवान के चरणों का दास बनकर रहे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत अच्छे माता जी। अभी आगे के प्रस्तुति के लिए मैं त्रिलोकीनाथ प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा प्रश्न है, यह गोपनीय ज्ञान कभी किसको नहीं समझाया जा सकता है। अध्याय 18 के 67 श्लोक है,
इसमें कहा गया है कि अध्याय 18 श्लोक 67 में कृष्ण की गोपनीयता की महिमा की बात करते हैं कि यह ज्ञान कितना दुर्लभ और कीमती है। कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यह उपदेश उन्हें कभी नहीं सुनना चाहिए जो न तो संयमी है, जो तपस्वी नहीं है, और न ही उन्हें जो मेरा भक्त नहीं है। यह उन्हें भी नहीं सुनना चाहिए जो आध्यात्मिक विषयों का निरीक्षण नहीं करते, और विशेष रूप से उन्हें भी नहीं सुनना चाहिए जो मेरे प्रति द्वेष रखते हो। अर्थात इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुवेवाच्यम न च मा योग्यम श्रूयति। पदम पुराण में ये कहा गया है कि प्रभु जी की श्रद्धा विहीन दस्तावेज और भगवान में द्वेष रखने वाले को यह अलौकिक उपदेश देकर हम अपराधी बनाने का कारण बनते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे प्रभु जी, आगे के प्रस्तुति के लिए मुझे बोलना है। तो मेरा प्रश्न है, भगवद गीता अध्याय 17 और 18 के बीच संबंध की व्याख्या करें। तो 17वें अध्याय में श्रद्धा के तीन प्रकार जो है, सत रज तम, इनका वर्णन किया गया है, और 18वें अध्याय में इन इन गुणों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है उसका वर्णन किया गया है। जैसे सतोगुणी में पूजा विधि जो बताई है, सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, और रजोगुणी राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी भूत प्रत्यंग की पूजा करते हैं। तत्पश्चात भोजन के कुछ विधि बताए हैं कि भोजन, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान, दान आदि की विधियां लोग कुछ कुछ लोग भ्रांत करते हैं इसके बारे में। और सात्विक भोजन जो है वो बल और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। खट्टा, नमकीन, गर्म, चटपटा, शुष्क भोजन रजोगुणी को प्रिय होता है, जिससे रोग भी होते हैं। पासा, स्वादहीन सड़ा भोजन तामसी लोग चयन करते हैं, इससे भी रोग बढ़ते हैं। शुद्ध शक्तिवर्धक दूध, चावल, गेहूं, तरकारियां आदि सतोगुणी भोजन कहा जाता है। भोजन सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी व्यक्त करते हैं, और बाद में हमें स्वयं ग्रहण करना है। सात्विक यज्ञ जो है वो फल की इच्छा न करके किया जाता है, और केवल प्रणाम करने के लिए न जाए, या फिर किसी आर्थिक लाभ के लिए यज्ञ न करे, तो वो सात्विक यज्ञ कहलाएगा। भौतिक लाभ के लिए यज्ञ जो किया जाता है वो राजसी यज्ञ कहा जाता है। शास्त्र की अवहेलना कर यज्ञ बिना प्रसाद, बिना मंत्र, बिना दक्षिणा, बिना श्रद्धा तामसी यज्ञ कहा जाता है, और वह केवल धर्म अर्जित करने हेतु किया जाता है, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता। उसके बाद शारीरिक तपस्याओं के बारे में बताया गया है। गुरुजनों की पूजा, आदर, शुद्ध सरल आचरण, ब्रह्मचर्य, ये सारी शारीरिक तपस्याएं 17वें अध्याय में बताई गई है। शुद्ध वाणी की तपस्या के बारे में बताया जाता है कि शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना, वैदिक परायणता करना, व्यर्थ वार्ता नहीं करना चाहिए, और शास्त्र सम्मत बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, और समाज हित में बोलना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, इसे वाणी की तपस्या कहा गया है। मन की तपस्या में संतोष, सरल, गंभीर, मन संयमित रखना है, विचारों की श्रेष्ठता रखना है, शुद्ध स्वभाव रखना है, विकारों से अलग वैदिक साहित्य की ओर मन छल कपट मुक्त रखना है, और सबका हित उसके बारे में सोचना है, जहां तक हो सके मौन रखना है, और निष्कपट व्यवहार भी रखना है। सात्विक तपस्या में भौतिक लाभ की इच्छा नहीं करना है, और श्रद्धा रखना है। बाद में रजोगुणी जो होते हैं वो सत्कार हेतु पूजा करते हैं, तो वो ना तो स्थायी होती है, ना शाश्वत होती है, और इसका कोई फल भी नहीं मिलता है। दान के बारे में बताया गया, दान जो है कर्तव्य से, परोपकार से योग्य व्यक्ति को किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। आध्यात्मिक कर्म में, तीर्थ स्थान में, मंदिर में सत्पात्र दान न हो तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। बाद में 18वें अध्याय में इन सब गुणों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। मुक्ति यानी यहाँ कहा गया है मुक्ति त्याग, त्याग यानी कर्म फल का त्याग, त्याग कर्म का त्याग नहीं, केवल कर्म फल का त्याग करना है, और समाज उन्नति हेतु कर्म करना है, और आसक्ति रहित कर्म करना है, कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, कष्ट क्लेश या भय से कर्म का त्याग गलत है।
सन्यासी जो होते हैं उनके चेहरे पर हम कभी भी जो संतुष्टि देखते हैं उसका कारण होता है कि वे कर्म फल का पूरा त्याग किए होते हैं और सुख इसलिए उन्हें सुख दुख का कोई भोगना नहीं पड़ता है। सारे कार्यकलाप वे अपने भगवान को अर्पण करते हैं और कृष्ण भावना भावित में हमेशा रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति को व्यक्ति के बारे में बताया कि वे लोभी ईर्ष्यालु आलसी खिन्न इस प्रकार के रहते हैं और वे भौतिकतावादी धूर्त और कपटी रहते हैं ऐसा बताया गया है। सत्वगुणी लोग जो है वो अच्छे बुरे का भेद जानते हैं और राजसी यह भेद नहीं जानते हैं। तामसी सदैव उल्टा सोचता है, असत्य को सत्य मानता है, सात्विक मन को योग द्वारा वश में रखकर अचल और एकाग्र और दृढ़ रहता है। आत्म साक्षात्कार जो है वो सात्विक सुख है और कठिन विधि से मन को आत्म केंद्रित करके जीवन का असली सुख प्राप्त किया जा सकता है। रजोगुणी जो है इंद्रिय सुखी और दुखद दुख भोगता है। तामसी जो है निद्रा आलस्य मोह से उत्पन्न क्षणिक सुख भोगता है। कोई भी व्यक्ति भगवान कहते हैं इन तीन गुणों से बचा नहीं है, मिश्रित भाव सभी में रहते हैं। शांति संयम और तप पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान धार्मिक स्वाभाविक हमारे स्वाभाविक गुण है। क्षत्रियों के गुण है वीर शक्ति संकल्प दक्षता धैर्य उदार नेतृत्व। वैश्य के गुण है कृषि व्यापार और शूद्रों के गुण है श्रम और सेवा करना। बाद में 15वें अध्याय में कहा गया है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, यानी संसार में न शोक न कामना ये गुह्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है ऐसा बताया गया है। भगवान यह गुह्य ज्ञान अर्जुन को उसकी भलाई के लिए दे रहे हैं। 9वें अध्याय में मनमना शब्द का प्रयोग हुआ है। मनमना माने सदैव मेरा चिंतन करो। भगवद गीता का सार 18वां अध्याय यानी ये भगवद गीता का पूर्ण सार माना गया है। इसलिए इसमें भगवद गीता के आदेश का पालन करते हुए संपूर्ण कृष्ण शरणागति के ऊपर जोर दिया गया है। गीता सभी धर्मों का सार है और कृष्ण की शरण और आत्मसमर्पण यही 18वें अध्याय का मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं अंत में मोहिनी माता जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया वैष्णव मंत्र से आज की प्रस्तुति को हमारे ग्रुप की प्रस्तुति को विराम दें। जी प्रभु जी। वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवचा पतितानां पावनिभ्यो वैष्णवेयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। बहुत सुंदर आपका जैसे 18 चैप्टर हमने पहले भी बताया कि आते ही आपका मतलब रिफाइनमेंट जो बोलते हैं भक्ति के प्रति की इस श्लोका को कैसे छांटना है उसका कैसे हमें सार निकालना है, तो ये चैप्टर खुद ही एक सार है। 18 चैप्टर है वो सभी का उसमें आता है। आपने बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है उसके आंसर लेके आए। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा मिलते जुलते या आंसर पूर्ण रूप से नहीं लिखा हो, पूरा ही लिया हुआ है। तो इसमें एक प्रभुपाद का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि आप लोगों के लिए जो मतलब इसे समझ के आप बता सकते हैं। जैसे जो कैटरपिलर होता है, ठीक है, तो कैटरपिलर का आप किस तरह से यहाँ पे जैसे अभी विनम्र भी आया था, त्याग भी आया, तप भी आया और दान भी आया, तो इस अगर यज्ञ दान और तप को उस कैटरपिलर से कैसा समझेंगे, उसकी साइकिल से हम कैसे समझेंगे? हमारे आध्यात्मिक में कैसे मदद कर सकता है? जैसे प्रभुपाद जी ने जैसे बताया कैटरपिलर का जो जैसा रूपांतरण होता है कि वो पहले छोटा रूप कहते हैं बाद में उसका बड़ा रूप हो जाता है, उसी प्रकार हमें अध्यात्म में तो थोड़ी थोड़ी प्रगति करके कैटरपिलर की तरह अपनी प्रगति करना है ऐसा इसका सार समझ में आता है। जी प्रभु जी, और कोई बताएगा?
प्रश्न दोबारा दोहरा दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कैटरपिलर का, कि कैटरपिलर की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई, वो हमारे आध्यात्म से कैसे जुड़ी हुई है, मतलब उसके द्वारा हम आध्यात्म को कैसे समझें, कैसे कंपेयर करें और कैसे उसको समझें। जी तो प्रभु जी इसमें मोबाइल स्टेबल नहीं हो पा रहा। प्रभु जी इसमें एक चीज जो मैंने एक बार पढ़ी थी और एक लेक्चर में सुनी भी थी, वो ये था कि जो ये कैटरपिलर होता है ये सोचता है कि ये इसकी तुलना इसलिए की जाती है कि जैसे एक भक्त होता है, वो सोचता है कि मैं आगे जाऊंगा और एक दिन करते करते प्रयास वो भक्त बन ही जाता है। तो ये कैटरपिलर से तितली बनने की जो इसका प्रोसेस होता है वो उसकी वजह से समझाया गया है कि ये धीरे 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 अग्रसर होता है और एक दिन जो इसकी कैटरपिलर वाली अवस्था है उससे ये बटरफ्लाई वाली अवस्था में प्रयास करते करते वहां तक आ जाता है। ये मैंने एक बार हमारी एक पीपीटी में हमने इसको ऑलरेडी लिया भी हुआ है, हर्षा माता जी ने एक्सप्लेन भी किया था जहां तक मुझे ध्यान है। माता जी कुछ कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन ये आप मनुष्य की जो विस्मृति होती है ना, वो बहुत अच्छी क्वालिटी भगवान ने दी है भूलने की, तो वो ही है कि आपको पूर्ण रूप से याद नहीं रहा है। मिक्सिंग तो होती है, खैर हमसे ये त्रुटियां तो है कि पूरा प्रॉपर नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा वो बोलते हैं ना जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो वाला रह जाता है कि थोड़ा थोड़ा सब याद रह जाता है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं याद रह पाता। तो आध्यात्म में माता जी इसीलिए प्रभुपाद और हमारे जो भी आचार्य हैं या श्री कृष्ण हैं जो हमारे गुरु हैं हमारे नियता हैं, वो क्या कहते हैं, नियतस्य तु संन्यासम करबड़ो निपपतते मोहतातस्य परित्यागतस्तम परिकीर्ततः। वो इसलिए ये बोलते हैं कि हम जो इसी तरह से अगर कृष्ण भावना भावित हो जाएं तो हम ये भूलेंगे नहीं। हम भूलते जब हैं जब हमारा लर्निंग जो प्रोसेस है वो कहीं अनलर्न में नहीं आता है, हम मेटलिस्टिक में ही पड़े रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्या करना है क्या करना, तो हमें आध्यात्म याद नहीं रहता है। और प्रभुपाद आध्यात्म बहुत याद रहता है, वो कितने कोट करते थे, कितने कभी श्रीमद् भागवतम कभी पद्म पुराण कभी विश्व पुराण कभी ब्रह्म संहिता कभी, ये उनके लेक्चर हमने आज लिंक डाला हुआ उस पर प्रभुपाद वाणी, उस पर आप देखना कितने कोट करते हैं वो, उसमें ऑडियो वगैरह भी मिलेगा आपको, टेक्स्ट भी मिलेगा, जो ऑडियो में होगा वही टेक्स्ट में नीचे ऑटो टाइपिंग होती है। तो लाइफ साइकिल आप बटरफ्लाई आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नियतस्य तु संन्यासम कर्मणो नोपपद्यते, तो जो श्लोका दिया हुआ है कि यज्ञ जो बोलते हैं सेक्रीफाइस, दान होता है वो चैरिटी बोलते हैं और तप होता है वो पीनेंस बोलते हैं। तो इसमें हमारे आध्यात्मिक विकास में कैसे मदद करता है कोकून को अगर समझे तो जब एग निकलते हैं बटरफ्लाई के तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कैटरपिलर में, ठीक है। कैटरपिलर के बाद वो क्या करता है कि किस में किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कोकून में, और कोकून विद प्यूपा हो जाता है, वो मतलब एक ऐसा आवरण बना लेता है, बहुत ही सॉफ्ट आवरण बनाता है पहले वो, लेकिन वो प्यूपा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हार्ड सेल में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर प्यूपा कन्वर्ट हो जाता है, या आप जो उसकी स्थिति समझ लें जैसे मनुष्य की छह होती है उसका भी एक स्थिति आती है कि वो बाल्यकाल किशोर अवस्था ऐसी, उसका भी आप समझ लें कि कोई अवस्था आती है, वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो इतना हार्ड होता है कोकून, इतना हार्ड होता है, अगर वो सॉफ्ट कर दे नेचर या भगवान तो बटरफ्लाई कभी उड़ नहीं पाएगी। इसी तरह हमारा भी अगर बहुत ही सॉफ्ट कर दे ये कर्म योगा भक्ति योगा और ध्यान योगा और ज्ञान योगा तो हम भी नहीं उड़ पाएंगे, किसमें, आध्यात्म में। इसलिए कोकून जैसा हमें बनाना है, कोकून जैसा हमें माहौल बनाना है, कोकून जैसा आध्यात्म की लड़ाई लड़नी है कि जितना कठोर होगा जितना जितना हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा उतना ही हम उड़ पाएंगे, उतना ही हम आगे पहुंच पाएंगे। ये प्रभुपाद कहते हैं बटरफ्लाई। तो क्या होता है, वो पूरे ही अपने विंग्स का इतनी पावर यूज करती है, इतना करती, जब तक जो हार्ड कोकून सेल है वो जब तक नहीं टूटेगा, जब तक उसके अंदर उतनी पावर नहीं आएगी उसे तोड़ने के लिए। भगवान ने कोकून उतने सॉलिड का बनवाया है कि उसने उड़ने के लिए अगर कोकून को शॉर्ट कर दिया तो वो उड़ नहीं पाएगी, इसलिए पंख मजबूत हो जाते हैं वो उड़ लेती है। तो वैसे ही हमारा है कि हमें मजबूत करना कि हम उड़ पाए, नहीं तो हम गिर जाएंगे धड़ाम से, और नहीं तो हमें
कोई दूसरा पशु पक्षी है वो खा जाएगा अगर हम उड़ नहीं पाएंगे, जमीन गिरेंगे न मनुष्य के नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही प्रभुपाद कहते हैं कि हमें कोकून जैसा अपने आवरण बनाना है, उससे हम तोड़ के बाहर निकलें। तो जो गृहस्थ जीवन है वो कोकून जैसा, सबसे ज्यादा समस्याएं कहाँ रहती हैं गृहस्थ जीवन में, सबसे ज्यादा शादी करनी है, बच्चे पालने हैं, फीस देनी है, सास ससुर की सेवा करनी है, ठीक है, पति की सेवा करनी है, बुआ आ रही है उसके यहाँ शादी कर, कितनी ज्यादा, इसलिए हमें गृहस्थ जीवन में जरूर जाना चाहिए। वो कोकून जैसा होता है, प्रभुपाद कहते हैं उसको तोड़ के, मतलब उसको तोड़ के जब हम संन्यास लेते हैं तो हम बटरफ्लाई बनते हैं उड़ने का, और फिर उसके बाद हम वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। तो ये जब हम ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा अध्यात्म को वैसे ही कंपेयर करते हैं बटरफ्लाई से, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है तो हम उड़ सकते हैं, नहीं तुम्हारे विंग्स कमजोर। तो जितनी ज्यादा हम वीक बनेंगे, जितना एनवायरमेंट हम वीक रखेंगे, तो हमारे आसपास वैष्णव, हमारे आसपास भजन कीर्तन, जब भी हमें टाइम मिले भगवान का प्रसादम, हमें कोकून जैसा डेवलप कर लेना है। वो कोकून जैसा अगर हम डेवलप करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो बढ़ पाएंगे। तो ब्रह्मचारी के बाद हो गया हमारा गृहस्थ, गृहस्थ हो गया ब्रह्मचारी, मतलब को उसका एग के बाद जब प्यूपा होता है वो हो गया क्या ब्रह्मचारी, गृहस्थ क्या हो गया उसका कोकून हो गया, और वानप्रस्थ क्या हो गया उस कोकून को तोड़ना, ठीक है। तो उसके तोड़ते हैं तो उसके विंग्स काम करने लगते हैं, फिर धीमे उड़ता है, फिर विंग्स मजबूत होते हैं, मतलब संन्यास। तो ये प्रभुपाद ऐसे उसके कैटरपिलर को इन चार आश्रमों से उन्होंने कंपेयर किया है। और ये सारे ही जितने भी सन्यासी योगी होते हैं ये क्या करते हैं, अपने शिष्य को कृष्ण भावना अमृत में उन्नति के लिए कोकून प्रदान करते हैं। कोकून जब ही होगा जब विवाह समारोह होगा, तो विवाह समारोह से दो फायदा होते हैं, एक तो बटरफ्लाई जैसा कोकून मिलता है मेटेरिस्टिक मनुष्य मानव को, और दूसरा जो आध्यात्म गुरु होता है उसको विवाह करने का मौका मिलता है, जो कि यज्ञ होता है। यज्ञ कौन है, यज्ञ तत्सत खुद विष्णु है। तो इस तरह इन जितनी भी ये एक्टिविटीज है इनका त्याग नहीं करना चाहिए, अगर इनका त्याग कर देते हो तो आध्यात्म में नहीं रहोगे, अंधकार में चले जाओगे, और ऐसे त्याग अगर कर दिए तो आप तामसी हो जाओगे। तो ये प्रभुपाद कहते हैं। हरे कृष्ण, आप किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हमने ये पढ़ा अध्याय 18 के 67 में कि गोपनीय ज्ञान, यानी कि गोपनीय के विषय, या इसको हम दूसरे में कहें तो मुख्य विषय, इसका क्या है कि प्रभु जी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गोपनीय ज्ञान का दिया और ये कहा कि ये बहुत दुर्लभ और कीमती है, वह कौन सा ज्ञान है प्रभु जी? वो ज्ञान वो है जो भगवत गीता का गुम ज्ञान, आप बता रहे होंगे कि जिसमें बोला गया इदम ते नपस्तकाय नवातकाय कदाचना, तो इसमें वो गुम ज्ञान है जिसमें जो मनुष्य संयमी नहीं है, तो यहाँ पे संयम के बारे में उन्होंने ज्ञान बताया, एक निष्ठ नहीं है भगवान के प्रति, एक निष्ठ नहीं है, वो हनुमान जी को भी चढ़ा रहा है, उधर गणेश जी को भी चढ़ा रहा है, जो भी उसके रास्ते में है सबको खुश कर रहा है, सबकी पूजा कर रहा है, वो एक निष्ठ नहीं, एक एक के पास नहीं रह के रह रहा है। दूसरा, एक कृष्ण की भक्ति में रत नहीं है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ना चासुल सुरवे वाच्यम ना चा योचव्य सुयतहा, तो भगवान कह रहे हैं कि वो टिका ही नहीं रहता है, वो उसे विश्वास ही नहीं है कि भगवान है या धर्म है या वेद शास्त्र है, और गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानता है, कर्म योग करता है लेकिन फल की इच्छा करता है, तो ऐसा कृष्ण की भक्ति में, और जो कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो चार चीजें हैं ये ही गीता का गुम ज्ञान है, और ये ही उसको गुम ज्ञान बोला गया, और ये जो चीजें नहीं करता है, और ये ही चार गुम ज्ञान है किसको नहीं बताना चाहिए, जो कि संयमी नहीं है और एक निष्ठावान नहीं है, कृष्ण का भक्ति नहीं है, कृष्ण इसका उल्टा कर लो, कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करना, ये गुम ज्ञान है, कृष्ण की भक्ति में रत रहना है, एक निष्ठ रहना है और संयमी रहना है, प्रभु जी ये है इसका तात्पर्य है। प्रभु जी ये दूसरा प्रश्न और है ये कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि हे अर्जुन,
हमारा जो आज आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये पहले हमने सूर्य देवता से कहा था, तो क्या आपका प्रभु जी ये सूर्य देवता से भी यही ज्ञान दिया गया था? क्योंकि उस समय तो महाभारत में तो अर्जुन तो थे नहीं, क्या प्रभु जी तो सूर्य को किस अवस्था में दिया था ज्ञान? ये प्रभु जी उस युग में जैसे ये साइकिल चलती रहती, जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ठीक है, तो ये जी साइकिल चलती रहती। तो जिस वो साइकिल की बात कर रहे कि इतने करोड़ साल पहले हमने दिया, तो ये ऐसा नहीं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया अर्जुन को और फर्स्ट टाइम दिया उनको, ये उस युग की बात हो रही है जिसमें भगवान ने बोला कि तुमसे पहले। तो कंडीशन अब अगली बार भी भगवान देंगे तो कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसका सार आचार लोग बोलते हैं सेम रहता है गीता का। जैसे इस बार उन्होंने कुरुक्षेत्रा में दी है, जब वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, क्षत्रिय होते हुए धर्म का पालन नहीं कर रहे थे और अधर्म का बहुत बड़बोला हो गया, मतलब बोलते थे बड़ा हुआ हो गया था। तो उसमें जो पहले वाली कंडीशन जो दी गई थी वो उसके उस सिचुएशन पे दी गई, तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी इस वृंदावन में भगवान आए, हो सकता है अगली बार किसी और वृंदावन में आए, तो ऐसे ये अलग अलग आते। तो गीता का ज्ञान सेम एक जैसा रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी कंडीशन अलग रहती है प्रभु जी, जो आचार्य बताते हैं। जी प्रभु जी, एक अंतिम क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही ज्ञान का आदेश देना चाहते थे और उन्हीं से सभी को मरवाना चाहते थे? क्या और पांडव लोग भी थे? क्या अर्जुन ही उन पांचों पांडवों में सशक्त थे? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, बहुत आप प्रभु जी बुरा नहीं मानना, आप शादीशुदा होंगे ना? जी आप पुत्र हैं पुत्री हैं? पुत्र हूँ। पुत्र कितने हैं? दो। दो, तो आप दोनों को बराबर चाहते हैं? जी नहीं, थोड़ा तो कम ज्यादा होगा, कोई ज्यादा बात मानता हो कम, दोनों को सेम जैसे मानते हैं आप? बराबर है तो। बिल्कुल बराबर, बराबर बिल्कुल तौल के। ये तो आप मैं क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए बोल रहे हैं, पर श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए सारे बराबर नहीं थे, तो पिता के लिए भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान ने बराबर नहीं रखा पांचों भाइयों को, कि श्री कृष्ण को इसलिए दिया क्योंकि गुरु जो होता है वो उसी छात्र को ज्यादा पसंद करता है जो छात्र सबसे पहले असाइनमेंट करके देता है, सबसे होशियार चलता है और सबसे पहले एग्जाम कर लेता है और सोल्यूशन कर लेता है। तो यहाँ पे वो सखा भी थे और वो गुरु उनके बन चुके थे, वो शिष्य भी थे और वो उनके रिलेटिव भी थे। तो ये लीला में साथ देने के लिए उन्हें पता कि सबसे ज्यादा जो उत्तम व्यक्ति कौन है, जो धनुर्धर है, जिसे हम बोलेंगे कि ये सर्वनाश करना वो करेगा। तो जो गुरु चुनता है वो उसी शिष्य को चुनता है जिस शिष्य में वो गुण होते हैं जो करवाने के लिए। अब जैसे हमारे पास स्कूल में आर्ट साइड होती है, साइंस साइड होती है और उसके बाद कॉमर्स होती है, तो सारे तो बच्चे साइंस नहीं लेते ना, कुछ बच्चे तो कॉमर्स भी लेते हैं, आर्ट भी लेते हैं। जी। तो इसी तरह से पांडव ने, कोई गदा में था, कोई तलवार में था, कोई भाला में था, लेकिन एक ऐसा चाहिए था जो सर्वनाश कर सकता था सभी का, वो गुण थे अर्जुन में। और वो अर्जुन में गुण कहाँ से आए? वो भगवान की तरफ से आए हैं, भगवान ने उनको मदद की शुरू से, और उनके रिलेटिव थे तो भगवान ने पहले ही लीला रचने के लिए उनको चुन रखा था। इसी हिसाब से उन्होंने उनके पास पादुक शास्त्र और उन्होंने क्या नाम स्वर्ग लोक पे गए, उन्होंने शिव जी से युद्ध किया, उनसे लिए, तो उन्होंने पूरा ही भगवान ने उनको बाकायदा उनका ग्लाइड पाथ बना के उनको वो दीक्षा और शिक्षा जो भी होती थी, तो इसलिए उन्होंने उनको चुना है क्योंकि वो बहुत ही सखा और शुद्ध भक्त थे, जिसको बोलते शुद्ध भक्त। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है, अध्याय 18 के 18वें श्लोक, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संग्रह
इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी। इसका अब जैसे जो ज्ञान होता है, जैसे हम बात करें कि अधिष्ठानम कर्ता कर्णाम चेष्टा देवम, जो वेदांत के 5 कर्म होते हैं, उसके बाद ये 18 श्लोका में बताया गया, जिसमें कि जितने भी जैसे कर्म का अधिष्ठान किसे बोलते हैं, कर्म का स्थान, हम अभी क्या है दुखाले में, तो हमें कर्म का जो स्थान है वो हमें समझना चाहिए कि हमारा कर्म का स्थान क्या है, कर्म क्या करने हैं। और 18.18 में ये समझ सकते हैं कर्म करने वाला कौन है, कर्ता, कर्म करने वाला कौन है, मनुष्य, वो जैसे कर्म करेगा वैसे ही। और यहाँ पे उसके बाद आता है कर्म करने के उपकरण, जैसे कर्म करने के उपकरण क्या है, हम चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं और चाकू से किसी की हत्या भी कर सकते हैं। तो ये भगवान यहाँ पे जो 18.8 बड़ा सिंपल समझना चाहते हैं। और चेष्टा किसे बोलते हैं, कि जो प्राण वायु द्वारा जो हम डेली अपने को जीवित रखते हैं, ठीक है, प्राण वायु द्वारा किया गया प्रयास, ठीक है। और दैवम जो बोला गया वो दैवम बोलते हैं कि जो भगवान अपनी सर्वोत्तम इच्छा से गति प्रदान करता है, ठीक है, या गतिमान रहता है। तो 18.8 से ये बोल सकते हैं कि जो हम अधिष्ठान कर्ता कर्णम चेष्टा और देवम से जो 5 कारण है वेदांत के हिसाब से, उसमें वो ज्ञान जो है, इन 5ों को हम ज्ञान से समझें, मतलब अधिष्ठान कर्म का स्थान क्या है, कर्ता में कर्म करने वाला कौन है, कर्णम क्या है, चेष्टा क्या है, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो उसको हम ज्ञान बोलते हैं। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान किसके लिए लेना है, ज्ञान भक्ति के लिए लेना है, लेकिन ज्ञान अगर लेते हैं तो, क्योंकि अगर हम ज्ञान लेते हैं तो 18.18 में उसका सार ये आता है कि जितने भी जीवों में है, इन 5ों के ज्ञान के द्वारा कारण जो है उनको आत्मा को एक ही रूप में हमें देखना है, ठीक है। जिस जो जो ज्ञान होता है वो अनंत रूप में होता है हमारा, उसको हमें पता ही नहीं कितना हमें ज्ञान लेना कितना नहीं लेना, लेकिन ये 5 के बेस पे अगर ज्ञान लेते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और आत्मा और शरीर का विज्ञान क्या है। और यही यही सात्विक ज्ञान माना जाता है, ये माता जी इसका सार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, वैसे तो ये है श्री भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोला गया है कि दया और कृपा, अगर दया मांगी जाए या कृपा मांगी जाए तो दोनों में से मतलब बड़ा क्या है, कृपा मांगना चाहिए कि दया मांगना चाहिए? हमें दया मांगनी चाहिए, कृपा तो अपने आप आ जाएगी अगर हम दया मांगेंगे। हम इतने ज्यादा, हम जैसे अभी हमारे नमा निष्ठादास प्रभु जी की हम पे वो इतने दया है, दया भाव से मर्सी हमें दिखाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे कृपा कर पा रहे हैं। कृपा जब ही आती है जब हम दया मांगते हैं, दयालु अगर हम नहीं होंगे, हम पे दया नहीं होगी ना, हम दया दूसरों के लिए, जैसे जानवर है उसके लिए अगर दया नहीं होगी तो, अगर दया ही नहीं होगी हमारे अंदर तो हम कृपा कैसे ले पाएंगे, उस कृपा वो व्यर्थ जाएगी या कृपा गलत कार्य के लिए जाएगी। तो दया हमें सबसे पहले लेनी चाहिए, और दया भाव से अगर हम करते हैं तो हमारी कृपा ऑटोमेटिक है। कृपा लेने से आप, कृपा लेने से मतलब हम अहम आ जाता है, कृपा हम डायरेक्ट मांग रहे हैं, हमने भगवान से भक्ति की, हमें कृपा कर दो, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं, हमें ये होना चाहिए हमें हमारे ऊपर भगवान की कृपा तो रहे, लेकिन कैसे रहे, दया के भाव से रहे, हम पे दयालु रहे, हम पे मर्सी रहे भगवान की, तो हमें दया मांगनी चाहिए। प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा, मेरा ये वाला श्लोक था लेकिन थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन। प्रभु जी कुछ भी नहीं सुन पा रहे हम तो आपकी आवाज। प्रभु जी मेरा डिवाइस, प्रभु जी डिवाइस लगा के क्रिए, डिवाइस लगा के ज्यादातर डिस्टरबेंस ही आता है। हरे कृष्णा। हाँ यस आप सही है। हाँ प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि ये मेरा ही अभी श्लोक था 18.2 का, तो इसमें जैसे इन्होंने बताया है कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कविह विदोह सर्वकर्म फलम त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणाः। तो इसमें दो शब्द आए हैं, एक तो कविह आया है और विचक्षणा आया है, माने विद्वान और बुद्धिमान। तो प्रभु जी कृपा करके ये बताएंगे कि विद्वान और बुद्धिमान में यहाँ पर क्या तात्पर्य है? अब विद्वान वो है जिसको वेद शास्त्र की नॉलेज है,
अब बुद्धिमान है जो इसको अप्लाई करता है, मतलब हमने हमने जान लिया लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, मतलब यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी हमें पता भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है, तो वो ये क्या हो गया, ये हमें हमें पता है, ठीक है, हम बुद्धिमान है इसलिए हमने पता कर लिया, इंटेलेक्चुअल है कि भगवान श्री कृष्ण ही नियंता है, सर्व कारण के कारण है, ये हो गया हमारी। लेकिन उसको हम भगवान समझ के हम उनको पूजा पाठ कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये बुद्धिमत्ता हो गई। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी अपना म्यूट कर लें, बहुत साउंड है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न और था कि जैसे अभी अर्जुन का प्रश्न आया था, प्रभु जी ने पूछा था, तो प्रभु जी मुझे ये थोड़ा संदेह हो रहा है कि जैसे कृष्ण लीला पूरी महाभारत की समाप्त हो गई, तो क्या अर्जुन की जितनी शक्तियां थी उनका क्या हुआ, क्योंकि उनको तो विशेष रूप से वो शक्तियां श्री भगवान की तरफ से प्रदान थी, भगवान के प्रति थी, उनकी शक्तियां उनके साथ ही नहीं, क्योंकि भगवान जहां पे है तभी शक्ति है। तो क्या हुआ, जब ये युद्ध समाप्त हो गया, प्रभुपाद बताते हैं युद्ध समाप्त हो गया, तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण ने कि अर्जुन से कि तुम पहले उतरो इस रथ से, ठीक है। तो अर्जुन को अहम आ गया, उन्होंने सोचा सब कुछ मैंने ही किया है, वो भूल गए सब कुछ। मनुष्य की सबसे बड़ी विस्मृति यही होती है, वो भूल जाता है, अहंकार आ जाता है। भगवान ने बोला पहले तुम उतरो, तो वो सोचते कि पहले जो रथ को हांक रहा है वो पहले उतरे, फिर वो जैसे ना गाड़ी दरवाजा खोलता है ड्राइवर, फिर वो मालिक उतरता है, तो वैसे ही करके ये पहले उतरे उसके बाद मैं उतरूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं पहले तुम उतरिए, तो उनको अहम आ गया, नहीं उतरते। तो प्रभुपाद इससे ये बताना चाहते, जैसे ही अर्जुन उतर के गए, नाराज हो गए, वो उतर गए और भगवान श्री कृष्ण उतरे, तो जो रथ था वो रथ पूरा ही उस पे वो भस्म हो गया, पूरा रथ ब्लास्ट हो गया उसमें। तो अर्जुन बड़े चकित हुए, भगवान की तरफ बोले, उनको एकदम बुद्धि आ गई। तो जो आप बोल रहे हैं विद्वान और बुद्धिमता, यहाँ पे उनके पास वो बुद्धिमान तो थे, लेकिन यहाँ पे विद्वान जैसा उन्होंने कार्य नहीं किया, कि भगवान कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो जैसे ही अर्जुन उससे उतरे वैसे ही वो भस्म हो गया, ब्लास्ट हो गया, और वो भगवान की तरफ देखने लगे, हाथ जोड़ लिए कि भगवान ये क्या। तो उन्होंने बोला कि जितने तुम पे शस्त्र चले, जितनी शक्तियां चली, वो सारी मेरी वजह से ही रुकी हुई थी। मैं था तो तुम थे, और मैं था तो ये रथ था। जैसे ही मैं उतर आया तो जितनी शक्तियां, जितने बाण त्रिशूल और ब्रह्मास्त्र जितने भी थे पूरे सृष्टि के तुम पे चलाए गए थे, वो सब इस रथ पे मैंने रोक रखे थे। जैसे ही तुम उतरे और मैं आ गया, ये सारा भस्म हो गया। तो इससे समझ सकते हैं कि भगवान नहीं है तो कोई शक्ति नहीं है, और भगवान सही है तो शक्ति है। तो जैसे ही भगवान वहां से गए द्वारकाधीश और युद्ध हुआ, तो वैसे ही अर्जुन की जो शक्तियां थी वो छीड़ होने लगी। लेकिन उनको भगवत धाम जाना था, इसलिए उन शक्तियों का कोई रूप नहीं था, क्योंकि भगवत धाम के लिए शक्ति नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। जी प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। और किसी का कुछ क्वेश्चन? प्रभु जी हैंड्रेस नहीं है कोई। ठीक है, हम चैंटिंग करिए क्वालिटी के साथ मॉर्निंग में, और मंगल आरती होती है उसमें आइए, और एकादशी वाले दिन जो आता है टेंपल से मैसेज, उसमें कितना भी मैसेज डाला जाए, कुछ भी किया जाए, वो 268 और 288 लोग से ऊपर बढ़ते ही नहीं है। कितने आते हैं कितने जाते ये तो नहीं पता है, लेकिन वो 300 से ऊपर नहीं जाते हैं। तो इसके मतलब क्या है कि हम बोलते तो भक्ति में हैं, तो अभी हम लोग 40 या 48 थे, तो 48 के 48 भी नहीं जाते होंगे, ये मेरा ऐसा लग रहा है कि अगर ये जाएं तो संख्या वहां पे बड़ी बढ़े, तो इसके मतलब कुछ ही लोग जाते नहीं जाते। तो ये भगवान के प्रति अगर हमारी अंदर से ऐसी सोच है कि हमारा जो टाइम है वो हम चैंटिंग में निकालें, और चैंटिंग करते समय मोबाइल देखना, चैंटिंग करते समय मंगल आरती, चैंटिंग समय कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका प्रभुपाद कहते हैं कोई फायदा नहीं है, उससे हमारी प्रगति नहीं होती। हम सोच रहे हैं कि इतने महीने इतने साल हो गए हैं, तो हमें हमारा हम पे भक्ति का
प्रचार प्रसार करने में क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारे, हमें क्यों श्लोक याद नहीं हो रहे हैं, हम क्यों नहीं इसमें कंठस्थ कर पा रहे हैं? तो इसमें इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है, भागता रहता है, हम एक निष्ठावान हो ही नहीं पाते हैं, और निष्ठावान नहीं हो पाते हैं इसीलिए हमारा जो होता है पतन, जैसे बोलते हैं वो पतन होने लगता है, क्योंकि भगवान के पैर हमने नहीं पकड़े हैं तो माया बहुत जल्दी खींच लेती है, वो तुरंत ही देखती है। माया आपको एक क्षण भी अभी भी देख रही होगी, जैसे ही आप तिलक हटाएंगे और जपा बैग रखेंगे माया तुरंत हावी हो जाएगी। और भगवान का नाम सुबह उठ के लेते हैं, क्योंकि सुबह होता है सतोगुण, दोपहरी में होता है रजोगुण, अभी शाम को हो जाएगा, रात में हो जाएगा तमोगुण। तो ये तमोगुण और रजोगुण टाइम पे हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, और सतोगुण टाइम पे हमें भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति करनी है, जिससे कि हम रजोगुण तमोगुण में ना जा पाए। और कर्म जितना भी है, कर्म का फल का जो है वो त्याग कर दें, और जो जो फल हम सोच रहे थे उसी फल को भगवान के द्वारा पूजना चाहिए। जिस फल को हम इच्छा कर रहे थे वो फल की इच्छा ना करके उस जो फल मिलने वाला है उसी से भगवान की हमें श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। और जितना भी हमारा नियति कर्म है, हमारा टाइम है, डिवोशन है, बाड़ी है, शरीर है, पैसा है, वो भगवान की सेवा में लगा दें, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना ही हमारा सर्वोच्च जो है, जो अधिकार बोलो या दासता बोलो, हम दास हैं, तो वो सेवा करना ही हमारी परंपरा है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में आता है, और हमें कितना भी चाहे हमारे पास हमसे मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान हर कार्य को हमारा स्वीकार करता है। क्योंकि सबरी ने जब बेर रखे थे तो उसने जूठे रख दिए थे, क्योंकि उसने चख चख के देखे थे, ठीक है, मीठे हैं कि नहीं मीठे, भगवान बड़े स्वाद पूर्वक खाएं। अब यहाँ तो एक घर में चम्मच डाल दें अगर दो भाई तो भी नहीं खाएगा दूसरा भाई की जूठी कर दी, ठीक है, क्यों? क्योंकि हम मैटरिस्टिक देखते हैं, हम आध्यात्म नहीं देखते हैं, भगवान आध्यात्म देखता है, उसे जूठे और उससे मतलब नहीं है, उसे मतलब है कि आपके मन में क्या है उस समय, आपके दिल में क्या चल रहा है, भक्ति चल रही है या शक्ति चल रही है, शक्ति मतलब मैटरिस्टिक शक्ति, मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास काम वाली है, वो भगवान के लिए सब कर देगी, पोछा लगा देगी, भगवान के लिए प्रसादम बना देगी, ठीक है, सब कुछ कर लेंगे, खरीद लेंगे, तो ये सर्वोच्च सिद्ध नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं ये सर्वोच्च सिद्ध नहीं है। सहजम कर्म कौनते सदोषमंद ना तेजेत, भगवान ने खुद बोलते हैं कि जो भी प्रत्येक कर्म है, ठीक है, वो किसी न किसी दोष से आवरत रहता है। आप कोई भी कर्म कर लेना, सुबह से लेकर शाम तक सारे कर्म में दोष जरूर रहेगा, और दोष अगर रहेगा तो उससे इस तरह से हमारे पास पाप हो जाता है। सुबह उठते हैं, हो सकता है कि चींटी या रात में मच्छर कोई न कोई आपके दब जाए या मर जाए, तो वो पाप हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे पाप हमसे नहीं लेने चाहिए। तो जो पांडव एकादशी आती है उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण के पास गए पाप पुण्य, तो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि जब सभी लोग पांडव एकादशी पे निर्जला रहेंगे तो हमारा जो अन्न है उसका क्या होगा, कोई लेगा ही नहीं, तो मेरा उस दिन क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा भी होगा, जो उस दिन अन्न को ग्रहण करेगा उस दिन उसको सारे दोष लग जाएंगे, जितने भी दोष होते हैं दुनिया में, जितने भी दोष होते हैं, जैसे गुरु की स्त्री का संयोग करना, किसी का पैसा चुरा लेना, किसी की स्त्री को हरण कर लेना, किसी की हत्या कर देना, मक्खी मच्छर मार देना, जितने भी तरह के दोष बने हैं, पाप बने हैं, वो सारे ही लग जाएंगे। अब देखिए, उसने हमने बोला हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक पांडव एकादशी वाले दिन हमने अन्न ग्रहण कर लिया, तो अन्न ग्रहण कर लिया और भगवान ने बता दिया कि उस दिन हमें क्या करना है, अन्न नहीं लेना है,
अन्न लेंगे तो उसमें पाप बैठा हुआ है, तो हम बोले हमने तो पाप किया नहीं, और ये पाप कैसे लग गया? तो कभी कभी हम जानते भी नहीं हमें पाप लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई पाप ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाप तो लग गए उस दिन एकादशी वाले, पांडव एकादशी वाले दिन या भीम एकादशी वाले दिन आपने अन्न ग्रहण किया। तो ऐसे कुछ पाप हैं जिसको हम ये सोचते हैं कि ये पाप नहीं है, हमने तो जानते हुए मैंने कभी नहीं किए, हम तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमें भगवान ने जो बोला है उसको मैं हमेशा ही गुरु साधो शास्त्र और भगवान ने क्या बोला, ये तीनों को बड़े लेके चलना है। गुरु क्या बोल रहा है, गुरु वही बोलेगा जो भगवान ने बोला है। साधु क्या बोल रहा है, वो वही बोलेगा जो भगवान ने वेद शास्त्रों में बोला है। और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, जो भगवान ने बोला है। बात एक ही है, उस शास्त्र को पढ़ के साधु और गुरु बोलता है या शास्त्र बोले, दोनों एक ही है। जैसे अग्नि क्या करती है, धुएं को शुद्ध कर देती है, ठीक है, और अग्नि धुएं को कर देती है और अग्नि खुद शुद्ध हो जाती है क्योंकि उसमें इंप्योरिटी रहती नहीं है। तो उसमें जब अग्नि शुद्ध होती है तो उसमें धुआं भी रहता है। तो ऐसा ही अग्नि जैसा है कि हम जलें, मतलब हम भगवान की भक्ति करें, और धुआं उसका जो फल है, कर्म फल जो है, वो शुद्ध हो जाते हैं। तो जो धुआं निकलता है वो उसकी इम्प्योरिटी होती है। तो हमारे पास, हमारे हमसे भी धुआं निकलेगा, लोगों की आंखें जलेंगी। धुआं से क्या होता है, धुआं आंखों में चला जाता है तो हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ना। तो ऐसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो जो हमारे अंदर से धुआं निकलेगा, मतलब आध्यात्म का धुआं जो निकलेगा, इम्प्योरिटी, उससे आसपास के जो लोग हैं वो आपको सोचेंगे, अरे प्रभु जी तो तिलक लगाते हैं, कैसा काम करते हैं, अरे ये तो माला जपते हैं, कैसा काम करते हैं। ये हमारा प्रभुपाद कहते हैं, ये भक्ति से जो धुआं निकला हुआ है, कर्म फल जो है हमारे शुद्ध हो रहे हैं। कोई चीज देखो जलती है, उससे कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। पानी को आप गर्म करेंगे तो उससे स्टीम बनके उड़ेगी तो भी निकलेगा, चेंज जरूर आएगा। तो हम भी जब तपते हैं, हम भी जब पानी जैसे उबलते हैं, मतलब आध्यात्म में, तो हमें से क्या निकलेगा, इम्प्योरिटी निकलेगी, आध्यात्म इम्प्योरिटी निकलेगी, और वो कहीं ना कहीं दूसरे के आंखों में लगेगी। तो इसीलिए हमें कभी भी कुछ भी त्यागना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, चाहे वो तप हो, चाहे वो ज्ञान हो, कुछ भी, किसी तरह का कुछ भी हो, हमेशा ही उसको हमें भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। ये प्रभुपाद सिंपल बताते हैं। तो भगवान की भक्ति में जब लगाएंगे तभी हम आगे अग्रसर बढ़ पाएंगे। और भगवान को जैसे इसी चैप्टर में बहुत अच्छा एक माता जी ने बोला था, 18.55 है सुमन लता माता जी किसने, कि भक्त्या माम विजानाति यावान सास्य तत्वतः, 18.55 में बोला, ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ये भगवान ने बोला कि मुझे केवल जो शुद्ध भक्ति होती है उससे ही मुझे जान सकते हो। और जब मनुष्य जो हम जैसे हैं ऐसा कृष्ण भावना भावित हो जाता है पूर्ण रूप से, तो उसमें वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। तो भगवान ने खुद ही बता दिया 18.55 में कि वैकुंठ जगत में जाने के लिए क्या करना है। तो जो इसको समझ जाता है वो बुद्धिमान है, और जो इसे इंप्लीमेंट करता है, मतलब डिप्लॉयमेंट करता है, प्रैक्टिस करता है, ठीक है, वो विद्वान है। जैसे पंडित विद्वान क्या होता है, पंडित ब्राह्मण, हमें बुद्धि होना चाहिए, बुद्धिमान इतना हो चाहिए कि हम सिलेक्ट कर पाए, हम चूज कर पाए कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनको ही सभी कारणों के कारण है, वो परमेश्वर है, उनमें दिव्य गुण है, और ऐसे उनको यथा रूप में हम जान पाए, तो ये हमारी विद्वानता है। तो 18.55 आप पढ़ें और उसको समझें, भगवान ने बहुत अच्छा बताया हुआ है कि जो मुझे समझ पाता है और कृष्ण भावना भावित में रहता है या कृष्ण भावना अमृत में रहता है वो भक्ति में तत्पर रहता है, और ऐसे ही करने वाला भगवान के धाम या वैकुंठ आता है। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का नहीं है तो आप
अभी यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटा सा प्रश्न और अभी मेरे मन में आया, मैं पूछ लेता हूँ, माफ कीजिएगा प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था कि माला जाप करते टाइम माला के गले में टांगना ही जरूरी है या हाथ में भी ऐसे बांध के माला कर सकते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये तो इसलिए है कि हमारा माला पे, हमारे हाथ पे लोड रहेगा तो हाथ ऐसे रहेगा, तो इसलिए माला आप टांगे या हाथ में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वीरेंद्र प्रभु जी ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है, बटरफ्लाई ही अंडे देता है, उसे बच्चे पैदा होते हैं, वे कैटरपिलर होते हैं जो मैक्सिमम पत्ते खाते हैं, यही कैटरपिलर बाद में कोकून बनाते हैं, फिर कोकून से बटरफ्लाई बनता है। बटरफ्लाई सिर्फ अंडे देता है, उससे बच्चे कैटरपिलर बनते हैं, कोकून से हम अपने को पूरे बनाने हैं, ये बटरफ्लाई पराग लेकर पोलिनेशन का काम करते हैं। सेकंड समझ में नहीं आया आपको? हाँ यस प्रभु जी, जो हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो हमारा गुरु बोलता है ना, तो गुरु साधु शास्त्र को मानना चाहिए कि आचार्य ने बोला हुआ है कि जो साइकिल है हमारी कोकून की, वो साइकिल ही हमें समझनी है। वो अब क्या करता है, कहाँ जाता, तो प्रभुपाद कहते हैं साइंस में मत लगो कि चंद्रमा कितनी दूरी पे, सूर्य कहाँ है, कितना एंगल है। सिंपली नहीं करता है, फायदा करता है। ये तो हम फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। संन्यास में दूसरों का फायदा करता, नुकसान नहीं करता, नुकसान नहीं होता। हाँ प्रभु जी, जो पूरी साइकिल है वो ऐसे है कि अडल्ट बटरफ्लाई है, वो एग देती है, अंडे मतलब, और अंडे उसे कैटरपिलर बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो वो खाती है और उसे जो बनाने के लिए कन्वर्ट करती है, कोकून विद प्यूपा रहता है, जो होता है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है बटरफ्लाई में, और बटरफ्लाई कन्वर्ट होती है, वो कोकून को तोड़ देती है, और कोकून को तोड़ने के बाद एडल्ट बटरफ्लाई बनती है, फिर एग देती है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही हमारा भी है, हमारा भी ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो आज चलते हैं। नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट बैसला बृंद की जय। श्री कृपाद की जय। सभी बैसलव आचार्यों की जय। सभी बैसला कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।